अरे गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, राम राम। अर्नव ध्रुव मेहता, यस, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बार हम लोग गुड मॉर्निंग ऑडिबल। चलो कृष्णा सर, कृष्णा, ओके, हाँ जी बताएं कृष्णा। हेलो राधे राधे, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सिया। लेट्स सेशन, क्या लास्ट सेशन? हाँ बिल्कुल लास्ट सेशन है। कैसा हूं मैं? तो बढ़िया हूँ नेहा चौधरी, आप बताओ कैसे हैं? आई थिंक सब लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आदित्य शर्मा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तेजस्वी, राहुल, नवंबर, हाँ कल नवंबर अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख चेक कर लेना, आज ये कंप्लीट कर लो नवंबर की। वैसे आपने गौर नहीं किया, मैंने बहुत सारी नवंबर की चीजें ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं। मैं इस चीज को, मुझे पता था कि नवंबर की प्रॉब्लम ना आए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो बीच में कवर करता गया हूँ, आप लोग जरा याद करो। वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। EWS भी मैंने कवर किया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कवर किया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नवंबर की न्यूज है, नवंबर की न्यूज में ही मैंने आप लोग को डिजिटल करेंसी, टोकनाइजेशन करेंसी, वो भी कवर किया है, वो भी नवंबर की न्यूज है। नवंबर की न्यूज में मैंने आप लोग को जितने बड़ी बड़ी न्यूज थी, मैंने सारी नवंबर की न्यूज ऑलरेडी आपको कवर कर रखी है, ठीक है ना सर? आप पे ट्रस्ट है, मैं बिल्कुल, हमें ट्रस्ट है, और वो COP ट्रस्ट है, मैं करूंगा, क्यों परेशान हूँ? जो भी नीड होगी वो करूंगा, मैं ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं कवर करूंगा, जितनी चीजें बची हैं वो जरूर कवर करूंगा। सर लीगल में इम्पोर्टेंट टॉपिक, लीगल का मैं नहीं देखता है ना, मैं, मुझे नहीं पता सर। सैंपल पेपर में साइक्लोन्स का मैंने, आई थिंक मैंने क्लास में कवर अप किया है। अगर आपने साइक्लोन्स देखा हो क्लास में कवर अप, बहुत सारे स्टूडेंट बता देंगे कि सर मैंने साइक्लोन्स कवर अप कर रखा है ना क्लासों में, किया है ना, बिल्कुल शतरंग किया हुआ है, सारे साइक्लोन्स मैंने किए, ठीक है ना? तो वो भी मैंने किया हुआ है। और बता दो, और कुछ सर एलेट के लिए टॉपिक्स दे दो प्लीज, कौन कौन एलेट में? करंट अफेयर तो यही रहेगी आपको, है ना, ठीक है ना? जम पानिया ऊपर निकल गया, प्लीज देखना। हाँ ब्रू अग्रीमेंट में जस्ट अभी थोड़ी देर में ब्रू अग्रीमेंट आपको करवा देता हूँ, ब्रू अग्रीमेंट का भी करवा देता हूँ, थोड़ी देर में करा देता हूँ ब्रू। शिफ्ट सिस्टम, देखो पेमेंट शिफ्ट सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, सिर्फ वो निकल चुका है पिछले बार के लिए। सर एक और बार साइक्लोन्स प्लीज, एक बार साइक्लोन्स देख लेना, है ना? साइक्लोन्स कहाँ, जितना टाइम नहीं मिलेगा ना सर, सितंबर करवाओ गया, सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर मोस्टली हमारा पड़ा हुआ है। सर GK सेशन 1 की रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? आ गई है, आप पोर्टल एक बार चेक कर लो, पोर्टल आ चुकी है ना सर? नहीं डिस्कस साइक्लोन्स हमारे बैच में, आपके बैच में नहीं हुई ख्याति चौधरी, ऐसा नहीं होगा, आप आके मुझसे पर्सनल मिल लेना, मैं करा दूंगा, आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप मुझे एक बार मैसेज करना या यहाँ पे इंस्टीट्यूट आना तो मैं कर दूंगा, स्पीति मेंबर, ओके है ना? मैं कर दूंगा, आपको सारे साइक्लोन्स दे दूंगा, साइक्लोन्स मैंने कराए हुए क्लास में जी। बताएं और कुछ? लास्ट क्लास है इसके पहले, एग्जाम के पहले, है ना? मेरी समझ से हम लोगों ने जितना कोशिश हो चुका है, मैंने 100% करने की का ट्राई किया है कि हमें सब कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी छोड़ने के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। और जितना आप लोगों ने पढ़ा है, मेरी समझ से इतना किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह पे नहीं हुआ होगा। फिर तो पता नहीं कि बहुत सारे लोग हैं हमसे भी अच्छे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उनने किया हो, बट जहां तक मैं जानता हूँ सबको, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सर एक बार EWS में करा चुका हूँ, EWS, ठीक है ना? आज क्या सीन है वैसे, आज का क्या सीन है, कैसा सीन है? आज का सेम सीन है जो वही रहेगा, नवंबर की आपको कल मिल जाएगी, नवंबर की कल अपलोड मिल जाएगी, नवंबर की क्लास कल मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? आप यूट्यूब में देख लेना नवंबर की, यूट्यूब में नहीं, इसी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, लाइव नहीं आएगी, क्योंकि आपका जब समय मिले, टाइम मिले, तब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की, आपको, आप लोग देख लेना, ठीक है ना सर? एग्जाम के पहले एक बार वो वैशाली आ जाना प्लीज, बिल्कुल आप वैशाली आ जाऊंगा सिया, आप लोग एक बार टाइम कंसल्ट कर लेना, मैं आ जाऊंगा एक दिन के अंदर, वैशाली आ जाऊंगा, ठीक है ना सर? COP 27 के बारे में बताना, मैंने 27 बहुत ढंग से कवर की हुई है, शायद आप लोग को पता हो इस बारे में कि COP कर चुका हूं मैं सर। चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बता दो, ओके सर। लास्ट में इंडेक्सेस और रिपोर्ट, देखो इंडेक्सेस रिपोर्ट मैं करवा तो नहीं पाऊंगा, आप कहोगे तो मैं आपको अपलोड करवा सकता हूँ, अपलोड करवाना का करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन करवाने की नहीं ले सकता, मैंने सारी इंडेक्सेस करवाई हुई है क्लास में, ठीक है ना? ठीक, तो आप लोग, आपको चाहिए तो अपलोड करवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा, अपलोड करवा, जस्ट ठीक है, मैं अपलोड करवा दूंगा सर। हंगरी
वाला चाइना, सर चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है मैं चाइना के इंपॉर्टेंट आज बता दूंगा, अभी चाइना के इंपॉर्टेंट बता दूंगा, जब मैं पढ़ाऊँ रिलेशन तो आप मुझे बता देना। हाँ सर अपलोड, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। क्या है सिप्री मेंबर? सर सिप्री मेंबर ऐसा मत पूछो सर, यहाँ पे सारे लोग आंसर कर देंगे सिप्री के मेंबर्स कौन कौन से हैं। मुझे पूरा भरोसा है स्टूडेंट्स पे कि सब लोग सब बता देंगे सिप्री के बारे में, तो ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आप लोग को जस्ट डाउट ले लूँ मैं 2 मिनट, फिर तो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। सीरिया यमन वार, सीरिया यमन वार, अच्छा यूएस चाइना इंडिया यूके रसिया, हाँ ठीक है उसके मेंबर हैं, ठीक ना। ख्याति चतुर्वेदी, गुड, ठीक है ना। तो ये हो गया है ना, आप देखो ये जो लास्ट समय है, आप इस लास्ट समय में अब ज्यादा करने का ट्राई नहीं करना सर। हंगरी वाला, ठीक है हंगरी वाला थोड़ी देर में आएगा, मैं हंगरी करवा देता हूँ, हंगरी करवा दे, यमन वार करवा दो प्लीज। ओके यमन वार, वार का मैं एग्जाम्पल थोड़ी बहुत देख के आगे बढ़ूंगा सर। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम अपडेट करो, ठीक है स्कीम एंड इंडेक्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा वही करूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। ये दोनों आपको मिल जाएंगे पोर्टल पे, और बता दो ये तो उसमें टेलीग्राम में फ्लोट होते हुए दिख जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करना। बहुत टेंशन हो रही है? नहीं है जीके में, एक्चुअली क्या है ना आप लोगों ने इतनी जीके पढ़ी हुई है ना, तो अब थोड़ा सा टेंशन बनता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतनी मेहनत हमारी खराब हो जाए, तो वो टेंशन है। आप परेशान मत हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए जीके में, जैसा मुझे लग रहा है कि आप सब लोग अच्छा करके आओगे। हाँ मेरा आशीर्वाद रखना, अरे आशीर्वाद तो आपके साथ ही है ना, और आप लोग हम लोग साथी तो हैं, इसमें क्या है ना, वो परेशान मत हो सर। सब कुछ ही बता दो, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना ही रखेंगे हम लोग, परेशान नहीं हो, आराम से जाना, रिलैक्स होकर जाना एग्जाम में, खासकर जीके के लिए। हाँ कुछ बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जितने लोग एलेट को एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, वो जो अपना मॉड्यूल मिला मिला है उस मॉड्यूल में थोड़ा सा जो इंडियन जीके का पोर्शन है वो देख, इंडियन हिस्ट्री का ज्योग्राफी का पोर्शन है वो देख लेना, और पॉलिटी का जो पोर्शन है वो आपके हैंडआउट से कर लेना, हिस्ट्री के जो हैंडआउट 3 मिले उसको देख लेना, ठीक है ना। लेक्चर की कोशिश करूंगा, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं हिस्ट्री के लेक्चर को आपको अपलोड करवा दूंगा, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको एक बार सर्कुलेट करवा दूंगा, एक बार मैं कोशिश कर सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर सकता, ठीक है ना। देख लूंगा वो, अगर मुझे लगेगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि हिस्ट्री भी खत्म हो जाए। कौस्तुभ जैन सर, नवंबर की जीके मंत्रा डाउनलोड नहीं हो रही है, ओके मैं इस प्रॉब्लम को देख लूंगा, अगर डाउनलोड हो रही होगी जीके मंत्रा तो मैं जस्ट बोल देता हूँ नीचे डाउनलोड हो जाएगी सर। जीके 1 की क्लास मिल सकती है क्या? जीके 1 क्लास क्या? जीके 1 सेशन आपका अपलोड है ना, आज अपलोड अपलोड है, आप जाके चेक करो ना मित्तल, आप चेक करो मिल जाएगा सर। वास्तव प्लीज मत पढ़ो इसका वास्तव को, है ना, लेफ्ट कर दो इस टॉपिक को, है ना, छोटे छोटे टॉपिक में परेशान नहीं होते, चलो नहीं है। हाँ ऐसा नहीं बोलो, आप एक बार चेक करो, मुझे जैसा बोला इन्फॉर्म है अभी तक तो है, नहीं होगा तो मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, बट है मिल जाएगा आपको। नहीं सर अपलोड बी इन चेक किया, चेक किया, ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। बैच नंबर कौन सा आपका, कौन सा बैच है एक बार मुझे बता दो, जिनको अपलोड नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, जिसमें अपलोड नहीं है एक बार देख लेते हैं। A6 बैच का बोला जा रहा है, A6 बैच का एक बार देख लेना, ना ठीक है। A3 A T1 क्या सबको अपलोड नहीं है क्या? बस एक ही, बाकी सब बैच को शो हो रहा होगा, किसी किसी बैच को हो सकता ना हो, तो मैं बोल देता हूँ A2 में नहीं हो रहा, A2 A7 A6 इन 3 बैचों में नहीं हो रहा, ठीक है ना। बाकी चलो देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे थोड़ी देर बाद, करते करते प्लीज डिलिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं डिलिमिटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ करूँ। BA3 BA3 A8, अरे आप में ऐसा नहीं होगा, बहुत में अपलोड होगा, एक बार देख लो। चलो मैं सारे चेक करा लूंगा एक बार का अपलोड देखने, ठीक है ना, वो मिल जाएंगे आप लोग को। मैं स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है ना, मैं स्टार्ट करूंगा आगे, बहुत कुछ हमें पढ़ना है सर। आर्टिकल्स पे ध्यान, मैं इतनी सारी चीज कैसे हो सकती है, आप कैसे पॉसिबल है, आपको रिविजन का टाइम नहीं है, रिविजन करना है, बहुत लोग करके बैठे है ना सर। आर्टिकल्स पे भी ध्यान नहीं देना ना, नहीं आर्टिकल्स पे ध्यान देना है, आप गलत करोगे, आप आर्टिकल्स एक बार रीड करें। एलेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, एलेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, क्लैट के क्वेश्चन एग्जाम में रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन रहेगा, तो देखना पड़ेगा। T1 नहीं है, हाँ कर दूंगा, ठीक है सर। ES2 आप इतना क्यों परेशान, ES2 में रहने दो, ES2 को, है ना, छोटा सा टॉपिक है, बंसल वैभव बंसल, ठीक है ना, नहीं परेशान हो ES2 के लिए, है ना, जाने दो, और अब नया पढ़ने का टाइम जा रहा है, ठीक है ना, नया पढ़ना बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा इस बार तो, है ना। EOS 6 पढ़ना बिल्कुल पढ़ना है, EOS का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, मैंने क्लास में करवाई, भी बिल्कुल पढ़ना है सर। शुरू करो अब, बिल्कुल मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज, हमारे पास टाइम काफी है, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं इतना कराऊंगा भी नहीं,
क्योंकि अब क्लास बिल्कुल नजदीक है, नया करने का टाइम जा चुका है, तो जस्ट आ जाना नेशनल गेम के, बहुत कंफर्टेबली रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड नहीं लेना, ये सब चीजें आराम से हो जाएंगे। जरा देखो नेशनल गेम हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो मुझे नेशनल गेम के बारे में बिल्कुल नहीं जाने वाला, सबको सब कुछ याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लेना, है ना, परेशान नहीं होना, हो जाएगा, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब यह है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्किंग लर्निंग साइट, तो यूनेस्को ने क्या किया है, ग्लोबल नेटवर्किंग साइट को साइट लाया, मतलब यूनेस्को ने अभी लर्निंग सिटीज बनाई है। लर्निंग सिटीज क्या होती है, ऐसी सिटीज जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाता है, हो चुका होता है एजुकेशन का, तो इंडिया में पहली बार हुआ है। तो इंडिया में इस बार कितनी सिटीज को ऐड किया गया, 3 सिटीज को, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करना, एलेट पॉइंट से एक क्वेश्चन जैसे फ्रिक्वेंटली आने वाला, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्टली वन लाइनर की तरह ही ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब 3 सिटी को किया गया है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी कौन है, वारंगल। वारंगल को याद रखना, वारंगल कहाँ की है, वारंगल, जो वारंगल सिटी कहाँ की, तेलंगाना की, तेलंगाना की, वेरी इंपॉर्टेंट, वारंगल तेलंगाना की। वारंगल के बाद देखना 2 सिटी कहाँ की है, 2 सिटी केरला की, 2 सिटी केरला की, 1 वारंगल की। प्लीज वारंगल को हाईलाइट करना, वारंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसके टेम्पल को इंक्लूड किया गया था। तो ये 2 तरह से बार बार न्यूज में आ रहा है वारंगल, तो वारंगल में देखना। केरला की 2 सिटीज कौन कौन है, एक तो कौन, त्रिशल है ना, त्रिशल, ठीक है ना, त्रिशूर, त्रिशूर है, एक त्रिशूर है और दूसरा कौन सा है, समझना, एक त्रिशूर है और दूसरा एक कौन सा है, नीलांबरी, नीलांबरी, इनको याद कर लेना, बस नीलांबरी, इन सिटीज को याद कर लेना। तीनों सिटीज किसमें है, इस बार वर्ल्ड के लर्निंग साइट में यूनेस्को ने इनको जगह दी है, बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है ना, इतनी सी बातें हैं, इसको देख लेना यूनेस्को को, और बाकी सब आप लोग देख चुके हो, तीनों लर्निंग सिटीज इंडिया में बनी है, पहली बार बनी, फर्स्ट टाइम इंडिया में बनी है, और इसके पहले इंडिया में कोई भी लर्निंग सिटीज नहीं है, वर्ल्ड में तो बहुत सारी बनी है, 500+ बनी हुई है, लेकिन हाँ बस अभी तक तो इतनी, ठीक है ना। नेक्स्ट आना कौन सा, इसको ठीक से लिखना, इनकोवैक्स लिखा हुआ है ना, इनकोवैक्स, इनकोवैक्स ऐसा कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनकोवैक्स लिखना, ये क्या है समझना, इनकोवैक्स है क्या, तो पहली बात तो जैसे हमने कोरोना वायरस की बहुत सारी वैक्सीन देखी गई ना, तो इनकोवैक्स क्या है, एक वैक्सीन प्रोग्राम है, इनकोवैक्स समझना, वैक्सीन प्रोग्राम है, और वैक्सीन प्रोग्राम में इंडिया में डेवलप हुई है, इंडिया में डेवलप हुई है, और बनाने वाला कौन था, कौन सा है, भारत, कौन सा है, इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो हमारी सारी जो वैक्सीन है वो बनाने का काम कर रही है, ठीक है ना, भारत बायोटेक, चलो गुड, भारत बायोटेक बनाती है सारी, भारत बायोटेक नहीं बनाई है, भारत बायोटेक। और आपको पता है कि इनको इस बार भारत बायोटेक पुणे वाला, उनको वो भी सीरम इंस्टीट्यूट, उनको वो मिला हुआ है, जो इस बार जो हमारा 17 अवार्ड्स थे, कौन सा, पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है ना, तो भारत भारत बायोटेक ने इसको बनाई हुई है, और याद रखना ये वहां इंडिया की फर्स्ट कैसे, नोजल, मतलब नाक से ली जाने, नोज से ली जाने वाली वैक्सीन है, नोज से ली जाने वाली वैक्सीन है, और याद रखना ये केवल किसके लिए है, तो जो 18 ईयर के प्लस है उनको ही ये यूज की जाएगी, नोजेबल जो है वो वैक्सीन है, इंडिया की फर्स्ट नोजेबल वैक्सीन है, तो बस इतनी बात है, देख लेना कि नोजेबल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और इसमें क्या है, इसका फर्स्ट नोज भारत बायोटेक बनाई है, और 18 प्लस को इसमें यूज किया जा सकती है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ा। फिर आया कौन सा, चाइना, चाइनीज सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन, सैटेलाइट ड्रोन के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन सा, जब हमने पढ़ा था कि ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में, तो वर्ल्ड में हाईएस्ट ड्रोन इंडस्ट्री किसके पास है, चाइना के पास है, इंडिया भी 70% ड्रोन किससे परचेज, सॉरी 100% ड्रोन 2014 के पहले इंडिया परचेज कर रहा था, बाद में इंडिया ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसमें जो सब्सिडी दे रहा है कि हम लोग 10 लाख की सब्सिडी देंगे, वो भी देख चुके हैं। उन सब्सिडी के बाद अभी क्या हुआ है कि एक सेमी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, अभी सैटेलाइट, अभी ड्रोन कैसे चलते, तो ड्रोन को चलने का तरीका क्या होता है, समझ रहा, ड्रोन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको नेविगेशन दे दिया जाए, सैटेलाइट नेविगेशन दे दिया गया, मतलब उसको हमने लोकेशन दे दी, लोकेशन से वहां तक मूव कर जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया कि इसमें इसको बहुत कम लोकेशन में इसको यूज करेगा, किसको, लोकेशन को यूज करेगा, सैटेलाइट को यूज नहीं करेगा, बिना सैटेलाइट के जाएगा। और ये इसका नाम क्या है, तो नाम बस देख लेना, इसका क्या है नाम, अटपटा सा है, देना किम इंग, एक साथ ही लिखना इसको, किम इंग कुछ ऐसा, किम इंग जिंग, इसका नाम है, और ये सेमी सैट, बस वन लाइनर के लिए याद रखना, सैटेलाइट सेमी सैटेलाइट ड्रोन किसने बनाया था और नाम क्या था, तो नाम देखो अजीब सा है, तो यहाँ जिंग आ गया, सी जिंगपिंग से याद कर लेना, रिलेट कर लेना, और हो जाए तो एक नंबर को यहाँ भी इसको टिक कर लेना, बस इतनी सारी बात है। नेशनल गेम्स को मैंने बिल्कुल नहीं बताया, और ना बताने की मुझे नीड है, आप सब लोग कर चुके हो, ठीक है ना, बस इसको देख लेना, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्या है, पीएम श्री योजना, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस बार, पीएम, मैंने हर को कहा है
कि सारी योजनाओं को आप लोग को तो क्या मैंने कहा कि अपडेट कर लेना, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, पीएम श्री को इम्पोर्टेंट मार्क करना। कब लॉन्च की गई पीएम श्री स्कीम? 2022। डेट क्या थी यहाँ पर? तो डेट थी आई थिंक 5th of September। कोई बता सकता है 5th of September को क्या होता है? कोई बता सकता है 5th of September को क्या होता है? 5th of September सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन और जन्मदिवस और क्या है, टीचर्स डे होता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है देखो, पीएम श्री में कितना 115400 सीआर की फंडिंग की जाएगी, इतने की फंडिंग की जाएगी। फिर आगे न्यू पीएम श्री स्कीम, न्यू पीएम श्री स्कूल ओपन किए जाएंगे, न्यू पीएम श्री स्कूल ओपन किए जाएंगे। और बेसिकली किसको टारगेट किए जाएंगे, बेसिकली किसको टारगेट किए जाएंगे ये, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। प्रॉब्लम क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, सुनना जो इंपॉर्टेंट लाइन ये है। पहली बात, आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल देखे होंगे जो स्कूल कैसे होते हैं, स्कूल नॉट स्कूल ही मैं कर रहा हूँ, नॉट फंडिंग कर रहा हूँ, स्कूल कर रहा हूँ कि न्यू स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। अब सुनना, फंडिंग की बात करूं तो फंडिंग में देखो, पहली बात तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल, इसमें क्या किया गया, दोनों की फंडिंग होगी। कितना कितना? 60-40 का रेशियो रहेगा फंडिंग का। 60% कौन फंडिंग करेगा? सेंटर करेगा। 40% कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो ये फंडिंग का रेशियो रहेगा। और कौन भैया फंडिंग, समझना, एक हमने जो सुना है, एक स्कूल सुनते हैं केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, तो वो विद्यालय पूरा सेंटर इनको फंडिंग करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, एग्री करेंगे। यहीं पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेट कर लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सब पता है, मैं नहीं बता रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ पता है कि कब आया, क्या आया, कौन इसका हेड था, जरा बताना हेड कौन था इसका, हेड कौन था, हेड कौन था, नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कमेटी का, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, बिल्कुल के कस्तूरी रंगन हेड। पीएम कैसे कर रहे हो पता नहीं चल रहा, पीएम क्या आप अभी अभी भी दिक्कत है क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर नेचर इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं आप लोग को पढ़ना। नेक्स्ट इसके बाद नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निपन, अच्छा देखते हैं कितने को याद है निपन, किसको किसको पता है क्या है निपन, जस्ट एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं निपन क्या है, पढ़ा हुआ है इसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आगे बढ़ने वाला हूँ। निपन क्या है, निपन क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस प्रोग्राम है, बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम है। किस चीज का अवेयरनेस प्रोग्राम है, किनको, कितने लोग को अवेयर किया जाएगा इसमें, कितने लोग को अवेयर किया जाएगा, 1 मिलियन, गुड, 1 मिलियन को अवेयर करके अवेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिलियन को अवेयर किया जाएगा। और किस बात का, किस बात को सपोर्ट कर रहा था, किसको, कौन सी मिनिस्ट्री थी इसमें, कौन सी मिनिस्ट्री थी इसमें, कॉमर्स आईटी, वेरी गुड, कॉमर्स आईटी, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स, रूरल एंड डेवलपमेंट जो है वो, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, वेरी गुड, रूरल हाउसिंग एंड रूरल अर्बन, ये वाली सही है, अर्चिता अग्रवाल, जिन लोगों ने ये किया वो सही है। कॉमर्स वाले तो ठीक है, पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ना, ठीक है ना। अब आना किसमें, ये नहीं, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट यूथ रिपोर्ट, डेवलपमेंट यूथ रिपोर्ट, प्लीज इसको जस्ट रीड में लिखना है क्या, इसमें हुआ क्या था, इस ये जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट है, जस्ट एक बार रीड ना, पहले इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जरा कोई बता सकता ILO का फॉर्मेशन कब हुआ था, ILO 1900, वेरी गुड 1919 में क्या हुआ था, 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसने क्या बताया, इसने समझ लिया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसने किस बात को बताया, जब ट्रेंड के बारे में, यूथ के बारे में बताया कि इनकी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जस्ट इंडिया के बारे में क्या रिपोर्ट थी समझना। इसने कहा, छोटी सी बात याद कर लेना बस, कि 2020 जो था उसकी कंपेयर से 2021 में इंडिया में पैंडेमिक के बाद 21 इंडिया में जो कितना 15-24 ईयर का जो एज ग्रुप है उस पे 15-24 ईयर का एज ग्रुप है वो 2020 कंपेयर से 2021 में 0.9% की क्या आई, उसमें कमी आई, तो 0.9% की कमी आई, बस इसको देख लेना, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा। 2025 की कमी आई। और सुनना, एजुकेशन की बात की जाए कि एजुकेशन में क्या कहा है इसने, एजुकेशन में क्या कहा है कि इसने बताया कि जो हमारे एजुकेशन कैसा ऑनलाइन हो गया था लॉकडाउन में, जो ऑनलाइन हो गया था, तो उस ऑनलाइन के दौरान टाइम पीरियड में कितने लोग एजुकेट हुए, तो इन्होंने कहा कि अर्बन में, मतलब अर्बन सिटी, रूरल और अर्बन, तो अर्बन में 23 लोग को
23% लोग ने ही क्या की एजुकेशन ली थी, और रूरल मतलब गांव में कितना लिया था तो केवल 8% लोगों ने ही क्या एजुकेशन ली थी। बस ये इसने रिपोर्ट दी कि एजुकेशन सेक्टर का ये हाल था कि जो अर्बन थे जहां पर मोबाइल थोड़ी बहुत अवेलेबल थे तो 23% लोगों ने ली, और बाकी कितने लोगों ने एजुकेशन ली थी, 8% लोगों ने इसकी एजुकेशन ली थी। बस छोटी छोटी बातें हैं और कुछ ज्यादा आप लोग को इसमें पढ़ने की नीड नहीं है, MILO को थोड़ा देखना। बस नेक्स्ट में आता हूँ, इसको पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। उदार शक्ति क्या बता बता देंगे, आधे लोग तो बता देंगे व्हाट इज उदार शक्ति, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज है किसके साथ होती है, मलेशिया के साथ हुई है, ठीक है ना। उदार शक्ति क्या है, मलेशिया के साथ एक्सरसाइज हुई, मलेशिया के साथ और मलेशिया की साथ, और ये क्या था इसका, मलेशिया फर्स्ट टाइम हो रही थी, फर्स्ट इसका वर्जन था, फर्स्ट टाइम हो रही थी मलेशिया के साथ। कितने डेज की थी, 4 डेज एक्सरसाइज थी, और कहां पर हुई थी, 4 डेज मलेशिया में हुई थी, 4 डेज एक्सरसाइज थी, और कहां पे तो मलेशिया में थे। बस इतना देख लेना मलेशिया, और एयरफोर्स की है ना, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बस इतना देख लेना एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बस इतना देख लेना। हाँ, कुआलालंपुर की कैपिटल है। उदार शक्ति को देखना, एक्सरसाइज को देख लेना, मलेशिया के साथ हुई, 4 डेज की थी, और ये थी खत्म। फिर चिले न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बताने की नीड है क्या, चिले न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बताने की नीड है क्या, पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी चिले, हाँ रिजेक्टेड, यस रिजेक्ट कर दिया गया चिले में, इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया गया। हाँ एक बात बताना मुझे, कितने लोग बता सकते हैं कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, छोटा सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, एंडीज, वेरी गुड, एंडीज लॉन्गेस्ट, एंडीज कहां पर है, एंडीज कहां पर लोकेटेड है, तो एंडीज चिले पे लोकेटेड है, एंडीज कहां पर है, चिले पे लोकेटेड है, एंडीज बिल्कुल चिले पे, मतलब पूरा चिले पे नहीं है लेकिन मोस्टली चिले पे लोकेटेड है, इसका वर्ड इसको भी याद रखना, चिले से थोड़ा रिलेट कर लेना कि चिले में लोकेटेड है, हाँ ना। चिले कहाँ का कंट्री है, तो क्या कहाँ का, साउथ अमेरिका कंट्री है, साउथ अमेरिका का। मैं हल्का सा मैं बनाता हूँ यहाँ पर, कि ये मैंने यहाँ पर बनाया साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका इस कॉर्नर पे बनी हुई पूरी एंडीज बनी हुई है, और यहाँ पर जो ये पूरा बना हुआ चिले, ये वाला चिले है, और नीचे वाला अर्जेंटीना है, वही अर्जेंटीना, ठीक है ना, नाम सुना होगा, और यहाँ पर ब्राजील है, और यहाँ से रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम क्या है, तो रिवर अमेज़न रिवर है, और जबकि वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर है, तो चिले के पास से ही निकलती है, वो चिले में नहीं है बट चिले के पास से निकलती है, ब्राजील में फ्लो करती है, ठीक है ना, ब्राजील में फ्लो करती है। बस इतनी बात हो, देख लेना चिले से, बाकी कुछ नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप, मेरे समझ से कोई बताने की नीड नहीं है क्या, जेम्स वेब टेलीस्कोप बताने की नीड है क्या, कई बार हजारों बार बता चुका हूं, हजारों बार, जिन लोग को पता होगा तो आप लोग को पता होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। आईज ऑन द सोलर सिस्टम टूल, सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जो टूल्स है, बस सोलर सिस्टम को टारगेट करने की बात करा है, तो सोलर सिस्टम में जरा कोई बता देना कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहां पर है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो सबको पता होगा राजस्थान में, और राजस्थान के कहां पर है, राजस्थान के कहां पर है, जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये तो जोधपुर में। इंडिया ने सोलर पर डिपेंडेंट होने के लिए कितने मेगावाट इंडिया ने टारगेट रखा, टारगेट पूछ रहा हूं 175 वालों, टारगेट पूछ रहा हूं, टोटल टारगेट कितना है, 500 है, टोटल टारगेट कितना है, 500 है, बट इस समय इंडिया ने कितना अचीव कर लिया, हाँ 20-30 वो सही है, 2030 तक है ये, 2030 का टारगेट है, लेकिन कितना अचीव किया, 100 का, और कितना अचीव कर लेना चाहिए था अब तक, कितना अचीव, 175 को अचीव कर लेना चाहिए, 175 को अचीव कर लेना चाहिए, तो बस ये सोलर सिस्टम, सोलर पैनल। अच्छा, सोलर टेक्नोलॉजी इंडिया मोस्टली कहां से परचेज करता है, डेनमार्क से, याद रखना डेनमार्क हमेशा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए मैंने आप लोग बताया था जब मोदी जी वहां पर गए थे तो हमने इसको देखा था, ठीक है ना, तो डेनमार्क से हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी को लेते हैं, डेनमार्क से इसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सोलर के बारे में, ठीक है, क्या सोलर अलायंस को भी इससे रिलेट कर सकते हो क्या, कोई बता सकता है कि सोलर अलायंस का फॉर्मेशन ईयर क्या था, सोलर अलायंस, वेरी गुड अर्चिता, 15 15 15, बिल्कुल। अच्छा ये बताना उसका हेडक्वार्टर कहां पर बना है, हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम, बिल्कुल सही है, गुरुग्राम में बना हुआ है। अच्छा क्या उसके भी मीटिंग हुई है क्या, फिर से कहां पर हुई उसकी रिसेंट मीटिंग कहां पर हुई, दिल्ली, वेरी गुड, दिल्ली में हुआ। सोलर अलायंस के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, सोलर अलायंस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, सोलर अलायंस के 121 मेंबर्स हैं इसके सोलर अलायंस के, बस इतनी बात हो, देख लेना बाकी कुछ नहीं। अच्छा किससे, किसका रिजल्ट है सोलर अलायंसेस, किस मीटिंग का रिजल्ट है सोलर अलायंसेस, किस मीटिंग का रिजल्ट, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट COP21 का रिजल्ट है, बिल्कुल सही है, COP21 का रिजल्ट है। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कीर्ति,
पारिक कमेटी, कीर्ति पारिक कमेटी, इंपॉर्टेंट नहीं, रीड वन लाइनर में रीड करना, रीड में वन लाइनर में रखना कीर्ति पारिक कमेटी क्या है। देखो है क्या, आपको ये पता है क्या कि एलपीजी सिलेंडर घर में आते हैं हमारे, एलपीजी सिलेंडर आते हैं और एलपीजी का रेट कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन स्टेट से पूछे करता है, तो स्टेट करता है। और कब किया था? एक मंथ में, वन मंथ में कितने टाइम किया था? वन मंथ में एक बार एलपीजी सिलेंडर का एक बार वन टाइम अभी रेट चेंज किया जाता है, लेकिन कहा गया कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, जब मन आया तो, जब मन आया तो आप लोग क्या चेंज कर रहे हो, रेट बदल दो। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, और इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, कौन सी? कीर्ति पारिक कमेटी। कीर्ति पारिक है तो मैं तब ये लिख दूं, एलपीजी के प्राइस को रेगुलेशन के लिए, एलपीजी की प्राइस को रेगुलेशन के लिए क्या बनाया गया यहां पर? कीर्ति पारिक कमेटी को का फॉर्मेशन किया गया। वन लाइनर के लिए कर देना, वन लाइनर का उज्ज्वला योजना, योजना तो उससे आई जाएंगी, क्योंकि जितनी योजनाएं कोई बता सकता है क्या एलपीजी से कौन सी स्कीम इंडिया से रिलेटेड है, कौन सी स्कीम इंडिया से रिलेटेड है, इससे कौन सी स्कीम रिलेटेड है? अच्छा उज्ज्वला की उजाला, कोई बता दे कि उज्ज्वला, उज्ज्वला सब सही, उजाला किससे रिलेटेड है, उजाला स्कीम किससे रिलेटेड है? उज्ज्वला एलईडी बल्ब से, वेरी गुड, एलईडी बल्ब से रिलेटेड है उज्वाला, उज्वाला उजाला, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वुमेन्स इन इंडिया नहीं पढ़ना आप लोगों को, क्रॉस कर लेना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, कुछ नीट की बात है। हाँ कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कर्तव्य पथ। देखो हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जब आप लोग बहुत सारे देखते होंगे, जब 26 ऑफ द जैन को होता क्या परेड मार्च हो रही होती है, उसे बोलते हैं हम लोग राजपथ। तो जो राजपथ है उसका नया नाम राजपथ का, राजपथ का जो नया नाम कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, समझना। एक और नाम चेंज किया गया है, कौन सा? रेस कोर्स। रेस कोर्स का नाम सुना है क्या? रेस कोर्स रोड, रेस कोर्स रोड, बिल्कुल रेस कोर्स रोड सुना है? नहीं सुना, सुन लेना। रेस कोर्स रोड क्या होता है सुनना, जहां पे सारे घर बने होंगे मोदी जी और इन सब के जो घर बने होंगे ना, वो रेस कोर्स हाउस में बने। तो रेस कोर्स वन जो हाउस होता है वो पीएम को होता है, टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलते रहे, तो उन्हें घर बने हुए सारे, तो रेस कोर्स मार्ग बोलते हैं उसको। जो रेस कोर्स है उसके, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? नाम क्या? लोक निर्माण, लोक निर्माण मार्ग, लोक निर्माण मार्ग, लोक निर्माण मार्ग एक साथ किया गया है, लोक निर्माण मार्ग कर दिया गया है, तो ये नया नाम है, सुनना। और इसमें है क्या कि जो हमारे राजपथ है, तो राजपथ कुछ ऐसे बना हुआ है, तो राजपथ के बीचों बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी जगह मूर्तियां रखी रहती है, स्टैचू रखी रहती है। तो जो वहां पर स्टैचू रखी गई, तो कुछ दिन पहले जो वहां पर स्टैचू थी ऑलरेडी हटाई जा चुकी थी, गायब थी, बहुत दिन पहले गायब कर दी गई थी, लेकिन वो खाली पड़ा था वो जगह, तो स्टैचू की जगह खाली थी, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगा दी गई है। तो कहां पर लगाई गई? तो राजपथ में जो लगाई गई है वो किसकी? सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगा दी गई, ठीक है ना, वो अच्छी बात है। और सुनना, और यहीं पर आप लोग कुछ मैंने बताया था, इलेक्ट्रोल सिंबल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोल सिंबल, सॉरी हमारा नेशनल एम्बलम वेरी इंपॉर्टेंट, जो एम्बलम है वो कहां से लिया गया? नेशनल एम्बलम कहां से लिया गया? नेशनल एम्बलम जो सारनाथ से लिया गया, सारनाथ बनवाया किसने था? नेशनल एम्बलम बनाया अशोक ने, बनवाया था अशोक ने, नेशनल एम्बलम का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है, अशोक ने बनाया था और उसके बाद वहां से कॉपी किया, लेकिन वहां पे अब अच्छा नेशनल एम्बलम को जरा कोई डेट बताना फिक्स कि नेशनल एम्बलम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब एक्सेप्ट किया गया था? नेशनल एम्बलम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब? संचित शर्मा गलत है आपका, नेशनल एम्बलम को आधे लोग से 90% गलत बता रहे हैं, बताओ अभी तक एक भी आंसर सही नहीं, एक आंसर सही है इसमें, यस मैं जल्दी से नाम निकल गया, यस सी में पढ़ पाया जो यस उसका आंसर सही, बस बाकी सब गलत है, अभी भी गलत है, सारे गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, एक फिर एक, एक सही फिर है, एक सही, दूसरा, दो ही लोग का सही है, तीसरा सही हुआ, तीन लोग का सही है, चौथा महक मोदी सही है आपका, बाकी सबका गलत है। शिवम गर्ग, अच्छा तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, सुबह शिवम गर्ग 26 जैन आप लिख रहे हो, अच्छा देखो देखो सुनो बात को, कि अपना नेशनल एम्बलम जो एक्सेप्ट किया था 24th ऑफ जैन 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बनी असेंबली, तो उसने एक्सेप्ट किया 26 जनवरी को, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया था, तो एक्सेप्ट हो गई होगा, जो आपके कहीं हैंडआउट में लिखा होगा, तो वो तो नेशनल एम्बलम बिल्कुल सॉन्ग और फ्लैग गलत लिख दिया मनीष का, फ्लैग कहां से आ गया? फ्लैग एम्बलम तो हो ही नहीं सकता, फ्लैग तो हमारा, फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ था देखना, फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ, फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ था? 22nd ऑफ जुलाई को एक्सेप्ट हुआ था, 22nd ऑफ 1947 को हुआ था। तो ये देखो, ये इसमें तीन, उस दिन सॉन्ग था, नेशनल नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एम्बलम था, और नेशनल एम्बलम के बाद लास्ट कौन बना? एक और था, कौन सा? नेशनल सॉन्ग के बाद एक क्या था हमारा,
वंदे मातरम, वंदे एंथम, सॉन्ग एंथम, जनगणमन, और ये दोनों, इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया था, ये पूरे एक्सेप्ट हुए थे कैसे? अब ये छोटी छोटी गलती कर, और ये तो इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि एम्बलम तो बहुत ज्यादा न्यूज में आता, कितने दिन तक एम्बलम और कहां पे लगाया गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? हमारी न्यू पार्लियामेंट सिस्टम है, न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, तो ओल्ड पार्लियामेंट को डिजाइन किसने किया था? 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 लुटियंस, यस लुटियंस ब्रदर्स ने किया था, लुटियंस ब्रदर्स ने उसको डिजाइन किया था, ठीक है ना? बस इतनी बात, इसको तो पढ़ी लेना, ठीक है ना? अब आना इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है क्या? बिल्कुल, पिछले मंथ भी करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है। आप लोग याद करो, HCI, मैंने लद्दाख में बताया था कि वाईफाई नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने इसको बनाया था, ह्यूज कम्युनिकेशन सेटेलाइट, बिल्कुल यही है, ह्यूज जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी, हमने इसी को बनाया था, याद आ गया ना? HCI 5G आ गया है, HCI ह्यूज कम्युनिकेशन को हमने कवर किया था, ह्यूज कम्युनिकेशन सेटेलाइट था, HCI से बनाया गया था, और ये कितना स्पीड देगा? इसकी स्पीड है 10 Mbps की स्पीड देगा, 10 Mbps की स्पीड देगा, और 3 Mbps, और कहां पर अभी एक्टिव किया गया? इसे लद्दाख में एक्टिव किया गया है, और इसको इन कनेक्शन से नहीं किया जाएगा। हेल्प कौन करेगा इसको? इसरो हेल्प कर रहा है, और वो सेटेलाइट से क्या चलाएगा? इंटरनेट चलाया जाएगा, ये वाली बात हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको, ठीक है ना? इसरो से कवर, ये ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट मूव करता हूं, इसमें XR टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना, XR टेक्नोलॉजी को जस्ट मैं बता दूं है क्या, एक लाइन बता दूंगा, खत्म करना। XR टेक्नोलॉजी सुनना, आप सब लोग VR टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, VR टेक्नोलॉजी को जानते हैं, MR टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, सब लोग ने VR जो होते हैं उनको ग्लासेस को यूज भी किया होगा, और जो वो टेक्नोलॉजी है उन्हीं को मर्ज करके नया एक्सटेंड वर्जन जो है वो वर्चुअल रियलिटी, यस वो XR टेक्नोलॉजी, तो उसी का एक्सटेंड वर्जन है VR का और MR टेक्नोलॉजी, VR प्लस MR टेक्नोलॉजी को मिक्स करके नया टेक्नोलॉजी बनाया गया, वो XR टेक्नोलॉजी है, कोई मतलब का नहीं है, रिलेट कर लेना मेटा से। मेटा सब लोग जानते हो कि मेटावर्स क्या है, सबको पता है मेटावर्स क्या है, ठीक है ना? मेटावर्स के बारे में पता होगा सबको, बिल्कुल पता होगा, दुबई फर्स्ट सिटी बनी है, गुड, ठीक है ना? जापान इंडिया मैरिटाइल एक्सरसाइज, जिमैक्स पढ़ाएगी सब लोगों ने, जिमैक्स जरा बता देना मुझे, जिमैक्स जो है वो जिमैक्स वो कौन से, फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? एक बार कन्फर्म कर लेना, जिमैक्स फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? सिक्स्थ है, अकेले आपने गलत बताया, सिक्स्थ है, राधिका गलत है, सिक्स्थ है, अर्चिता सही है, ठीक है ना? सिक्स एक्सरसाइज है, सिक्स है, सिक्स है, सिक्स है, कौन से? जिमैक्स किसके साथ हुई? जापान के साथ, और जापान के साथ जिमैक्स तो जापान के साथ ही होती है ना, जापान से। अच्छा, कितने लोग इसकी लोकेशन को सही बता सकते हैं? कितने लोग इसकी लोकेशन को सही बताते हैं? बे ऑफ द बंगाल, वेरी गुड, बे ऑफ द बंगाल, बे ऑफ द बंगाल में होगी, बे ऑफ द बंगाल में होगी, और जब भी बे ऑफ द बंगाल में होगी तो एक बात बताओ, अपने आप ये पता चलेगी नेविगेशन हुई होगी, नेवी की एक्सरसाइज हुई होगी, बस इतनी बात हो, देख लेना, खत्म, ठीक है ना? जापान मैटर एक्सरसाइज खत्म। अब यहाँ पे जीरो डिमांड बिल्कुल मत याद करना, फाइनल को बिल्कुल, इसमें नीरज चोपड़ा जो जीते थे, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाए हुए थे, तो ये वो वाला है नीरज चोपड़ा, इससे याद कर लेना बस, कौन सा? जीरो जो डायमंड लीग थी उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वन लाइनर की तरह देख लेना और कुछ नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं बिल्कुल इसको देखने वाला नहीं हूं, मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया है, 121 भी, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 121 आंसर है, वेरी नाइस, है ना? 121 आ रहे हैं ना, 121 आ, 132 बिल्कुल सही है, इसको तो देखने की नीड ही नहीं है, कितनी बार रिपीट किया गया होगा 132। अच्छा, इसके तीन पैरामीटर्स कौन है, कितने लोग एक साथ करना कमेंट, अलग अलग मत करना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तीन पैरामीटर्स कौन है इसके HDI को जज करने का? इकोनॉमिक एजुकेशन एंड डेथ, अच्छा इकोनॉमिक एजुकेशन एंड, इकोनॉमिक एजुकेशन एंड हेल्थ, इकोनॉमिक एजुकेशन एंड हेल्थ सही, रिद्धि मानवी, अखिल कल्पना माधव, आई थिंक युवराज, हाँ तीनों है, बिल्कुल ठीक, गर्ग, ठीक है ना? ये तीनों सही है, ये तीनों है, तीनों इसके मीटर। अच्छा, कौन कौन इसको देता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको देता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहां पे यूएनडीपी का? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? NY, चलो जेनेवा, अरे NY, न्यूयॉर्क, ओके न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, एक ही रोग ने भी, ये श्रेय गुप्ता के ऊपर इसने कमेंट किया, मुझे नहीं पता, न्यूयॉर्क सिटी, एक और सही, ख्याति आपका भी सही है, एक बार सर्च कर लेना ठीक से, पहले NY वाले गलत, NY वाले तो सीधे सीधे गलत है, पेरिस वाले गलत है, न्यूजीलैंड वाले भी गलत है, बहुत सही, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ज्यादा अच्छा है ना?
तारागिरी, इसमें दो ही लोग का सही था अभी तक, जितने जितने लोग कर रहे, दो केवल स्टूडेंट ने सही बताया। अच्छा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यूएनडीपी का? यूएनडीपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972, 1990, 1990, 1990, गलत सब सब लोग, 1965, 65 वाले सही है, 1965। यूएनईपी से लेट कर रहा हूं, यूएनईपी 72 है, यूएनडीपी 65 है, ठीक है ना? यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम है वो, यूएनडीपी है। आना तारागिरी, तारागिरी आ जाओ, तारागिरी में आप देखना इसको बताना, तारागिरी नहीं देखो है क्या तारा है, तारागिरी। मैंने ये बताया कि मैं बात करूं नेवी की, और जैसे मैं नेवी की बात करूं तो नेवी में हमारे हमारी यहाँ पे कितनी चीज आती थी? चार चीज आती थी ना नेवी में। कौन कौन आता था? तो नेवी में एक आता था हमारा डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर के बाद फ्रिगेट, फ्रिगेट के बाद डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट बाद सबमरीन, और सबमरीन के बाद जो हमारा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, यही आता था ना। तो मैंने कहा कि ये फ्रिगेट्स है, जैसे मैंने कहा ये फ्रिगेट्स है, तो बताओ ये किसका नाम होगा? सिटी का नाम होगा, माउंटेन का नाम होगा, रिवर का नाम होगा, किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? माउंटेन का नाम है, माउंटेन का और रिवर के नाम के दोनों के नाम हो सकता है, तो ये एक माउंटेन का नाम है, तो तारागिरी एक माउंटेन का नाम है, तो अपने आप क्या बन जाएगी यहाँ पर? फ्रिगेट बन जाएगी। अब ये सबको पता होगा कि फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, कि छोटी सी शिप होती है भाई, है ठीक है ना? और इसमें समझना एक क्लास बनाई गई है, कौन सी क्लास है? नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास का बताओ, नीलगिरी क्लास के अंदर कितनी शिप्स बनाई जाएंगी? 7 फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे, और 7 में ये कौन से नंबर की है? फिफ्थ नंबर की है, पहली बार फिफ्थ नंबर, उसका नाम तारागिरी रखा गया। एक बात और रखना, हम लोगों ने एक और पढ़ा है उदयगिरी भी इसी क्लास की है, तो उदयगिरी इसकी थर्ड नंबर की थी, उदयगिरी थर्ड नंबर में थी, उदयगिरी उदयगिरी। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट कौन सा है? अच्छा देखना ये बताएंगे आधे, पी पी, चलो बहुत, चलो ये तो कम से कम 17A कह रहे, मुझे लगा कुछ 15 भी बोल देंगे, 17A से, ठीक है मुझे लगा कुछ 15 बोलेंगे, 17A से सही है। तो प्रोजेक्ट P17A से नीलगिरी। अब नीलगिरी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, नीलगिरी नीलगिरी आप कितने लोग बता सकते हैं? नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन रेंजेस, नीलगिरी माउंटेन रेंजेस की लोकेशन क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेंजेस की लोकेशन क्या है? अरे केरला गलत, एक साथ लिखना, तमिलनाडु केरला कर्नाटका, एक जवाब तमिलनाडु के लगा, दूसरा ध्वनि जैन, यस कर्नाटका, बस लिखा दक्ष पूनिया, केवल कर्नाटका, दिव्या पाठक, तीनों सही है आपके, ठीक है रजत गुप्ता सही है। तो ये लोग नील, जो नीलगिरी वाले हैं, जो तीन है, तमिलनाडु कर्नाटका और केरला, इज राइट आंसर, ये राइट होगा, और ये इस क्लास का है। बाकी मुझे इसको बताने की नीड नहीं है कि फ्रिगेट्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल नीड है। हाँ जंक्शन पॉइंट बनता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, बाकी अपने आप समझ गए होगे तारागिरी इसमें। और जब भी हमारा क्या आएगा, पी इसमें आ जाएगा, P17A में आएगा, तो याद रखना ये अपने आप स्टेल्थ टेक्निक की होगी, कोई भी रडार से कॉन्टेक्ट नहीं, रडार से नहीं पकड़ेंगी, तो स्टेल्थ टेक्निक की क्या होगी, यहाँ पे ब्रिगेड बनेगी। चलो ठीक है हो गया तारागिरी। बाकी अच्छा देखो, बाकी ये बताना कि हमारे पास डिस्ट्रॉयर कितने इस समय, डिस्ट्रॉयर कितने हैं? 10 10 10 10 10 डिस्ट्रॉयर है, 14 14 भी एक आंसर आ रहा है, 14 भी आंसर आ रहा है, 10 10 सही है। अच्छा ये क्या, ये फ्रिगेट्स कितने हैं हमारे पास? 14 फ्रिगेट्स, 14 फ्रिगेट। सबमरीन्स कितने हमारे पास? 16 सबमरीन है। एयरक्राफ्ट कैरियर सुनना, ठीक सुनना, ठीक सुनना, आज तक कितने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास रह चुके हैं? आज तक कितने रह चुके हैं? 4 3 वाला गलत है, 4 चार, चार एयरक्राफ्ट कैरियर। और फंक्शनिंग में कितने इस समय, कितने फंक्शनिंग में? 2 वर्किंग है, 2 वर्किंग, गुड, चलो 2 वर्किंग है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग आंसर करते रहोगे तो रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है ना? इंडिया लार्जेस्ट रबर डैम, क्या मैंने पढ़ाया हुआ कि रबर डैम को इंडिया लार्जेस्ट रबर डैम? अच्छा गया, गया जी डैम, बिल्कुल गया जी डैम, गया जी डैम कहाँ पर है, कहाँ पर, किस रिवर पर है, रिवर कौन सा है? रिवर 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 फाल्गु रिवर, चलो ठीक है, फाल्गु रिवर पर बना हुआ है, फाल्गु रिवर पर बना हुआ है, फाल्गु रिवर पर बना हुआ है। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा? गया, गया डिस्ट्रिक्ट है, और गया कहाँ पर लोकेशन है? बिहार पर। गया कहाँ पर है? बिहार पर है, बस इतनी बात देखना, खत्म, आगे देखते हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट वहां था, न्यू बैंकिंग रूल्स, सो न्यू बैंकिंग वायरस सोवा, क्या सोवा के बारे में बता सकता है? सोवा क्या है? एक मालवेयर है क्या? समझना एक मालवेयर है, समझना मालवेयर है। जब ये मालवेयर होता है तो मालवेयर का मतलब क्या होता है पता? क्या मालवेयर के मतलब, ये जो वायरस है कहां से है? मलेशिया से है। मालवेयर का मतलब ये कहां से? मलेशिया से है। सुनना, इस सोवा के अभी तक कितने वेरिएंट आ चुके हैं? 5 वेरिएंट आ चुके हैं। ये 5 वेरिएंट, जो पूरे वेरिएंट एक्टिव कहां पर होते हैं? बेसिकली यूएसए, यूएसए के बाद रसिया,
रशिया की बात, जापान यहां पर एक्टिव होते हैं, मलेशिया अपने वायरस को वायरस समझ गए ना, एंटीवायरस इसके लिए लगाते हो, अब उनके लिए बात कर रहा है, तो ये वाले वायरस एक्टिव होते हैं, इसके पांच वेरियंट है यहाँ पे। इंडिया में कौन सा आया, तो इंडिया में अभी फिफ्थ वेरियंट पाया गया, और जब फिफ्थ वेरियंट है मतलब कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन सारे डेटा को चुराएगा, आपको पता भी चल जाएगा, डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होता, दोबारा फिर से उसी में आ जाएगा। तो ये मालवेयर आया कहां से, मलेशिया से। मालवेयर का मतलब होता है मलेशिया से आया हुआ है, फिफ्थ वेरियंट इंडिया में, बाकी सारे वेरियंट इंडिया में नहीं आए। और ये किसको हिट कर रहे हैं, तो आपके सारे डेटा किससे ले रहा, बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग बैंकिंग जो जितने भी क्या बने हुए हैं हमारे पास, जितने बैंकिंग हमारे पास सिस्टम बने हुए हैं, उनमें जाकर इंपोज हो रहा है और उनके सारे डेटा को लीक करने का काम कर रहा है। बस कौन सी कंट्रीज में है, तो देखो ये तो जो पांचों वेरिएंट वो यूएसए में था, रशिया में था, जापान में था और इन डेवलप्ड कंट्री में था। अभी तक कोई भी इंडिया में केवल कौन सा वेरिएंट देखने को मिला है, इसका फिफ्थ वेरिएंट देखने को मिला है, ठीक है ना, फिफ्थ वेरिएंट। इसके बाद कोई भी वेरिएंट इंडिया में नहीं आया हुआ है। तो बस इतना हम लोग को याद रखना है, इतना याद रखना। एक छोटी सी बात और इसको देख लेना, क्या है क्या कि जो हमारा मालवेयर है, जो ये वाला यहाँ पे मालवेयर है, ये इसी क्लास है, टॉर्जन क्लास का है, टॉर्जन क्लास का है, टॉर्जन क्लास का वायरस है। तो पता नहीं, टॉर्जन पूछ सकते हैं, छोटा सा वर्ड है, टॉर्जन क्लास का है। कहां पे, कहां से आया है, मालवेयर है, मालवेयर मतलब कहां से आया, मलेशिया से आया हुआ। और कितने वर्जन है इसके, फाइव वर्जन है। किसको हिट कर रहा है ये, बैंकिंग सेक्टर को हिट कर रहा है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हर जगह बैंकिंग सेक्टर को हिट कर रहा है, लेकिन अब इंडिया में देखा गया तो इंडियन की बैंकिंग सेक्टर को हिट कर रहा है, और क्या है, ठीक है ना। लेट कर, हाँ आप लोग प्लीज लेट कर लेना, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ आपके नोन में होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितना क्या चल रहा था, वो ज्यादा सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर को आप यहाँ सेलेक्ट करना, सुपर कंप्यूटर को एक बार देखना, ठीक है ना। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट आई, ऑक्सफॉर्म इंडिया की आई रिपोर्ट, ऑक्सफॉर्म इंडिया ने इसको पब्लिश किया है, तो ये बात तो सही है, ऑक्सफॉर्म इंडिया ने इसको पब्लिश किया। बट इस रिपोर्ट में क्या देखा गया है कि इसने जेंडर मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, और क्या कहा है, देखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि 100% डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के बिहाफ पर इंडिया में, ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर इंडिया में 100% डिस्क्रिमिनेशन है। बट अगर बात की 69% जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस साथ, एससी एसटी के साथ है, एससी एसटी के साथ है। और 13% जो क्या है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके बिहाफ पर है, तो उसने कहा कि 13% जो डिस्क्रिमिनेशन है वो माइनॉरिटी के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है। तो ये तीनों डिस्क्रिमिनेशन बताया है ऑक्सफॉर्म इंडिया ने बनाया है, और डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 की आई, बस इतनी बातें, ऑक्सफॉर्म याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। मुस्लिम देखो जो यहां पर आया ना, जो माइनॉरिटी यहां पर मुस्लिम, सॉरी जो एससी एसटी वो मुस्लिम के साथ है, ये वाला इसके साथ है ना, जेंडर कर लेना वो मुस्लिम कर लेना बीच वाले को, और ये वाले नीचे वाले को माइनॉरिटीज कर लेना, कुछ ऐसा कर लेना। वुमेन्स जेंडर के लिए वुमेन्स आया ना, जेंडर के लिए वुमेन्स आया ना, ठीक है ना। आगे आगे देखो, नेक्स्ट में देख लेंगे, यूरोपियन यूनियन पर आ गया हंगरी वाला, कुछ जो हंगरी की बातें कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट डिक्लेयर द हंगरी नो लॉन्गर डेमोक्रेसी। पढ़ाया क्या आप लोगों ने, नो लॉन्गर डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन ने एक्सेप्ट करने से, सॉरी यूरोपियन यूनियन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने, 27, उनमें से कौन सा, हंगरी है, और पार्लियामेंट कहां पे बनी, ब्रुसेल्स में, और उसमें क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था कि हम कोई भी गैस का इंपोर्ट कहां से नहीं करेंगे, रशिया से नहीं करेंगे। जब रशिया से कोई भी गैस का इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हुआ क्या, तो वहीं पर इसका अपोज किसने किया, हंगरी ने। जैसे हंगरी ने अपोज किया तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, जब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो फिर क्या किया गया, तो उन्होंने कहा कि हंगरी में क्या नहीं है, तो हंगरी में तो वही नहीं है, क्या डेमोक्रेसी नहीं, तो हम कैसे इसकी बात मान सकते हैं, तो उसको हटाने की बात की जा रही है। बुदापेस्ट कैपिटल, बुदापेस्ट कैपिटल है। विक्टर ऑर्बन क्या है इसके, तो इसके प्रेसिडेंट हैं या हेड ऑफ द नेशन है, बस इतनी बातें देख लेना, और कुछ नहीं देखना। यूरोपियन यूनियन हंगरी, ठीक है ना, बुदापेस्ट देख लेना, बस इतना देख लेना, ठीक है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड बिकम द इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। माकरो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट माकरो, इसको थोड़ा देख लेते हैं, कोई बता सकता है, स्वच्छ सुजल प्रदेश, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, सुजल, जैसे सुजल आया तो जल, जल मतलब वाटर की बात कर रहा है क्या, और जैसे वाटर की बात चल रहा है वहां, तो हमारा मिशन कौन सा जाएगा, चल रहा था बहुत ज्यादा न्यूज में, वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन, आपको पता है सैंपल पेपर में नहीं पूछा, जल जीवन वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन की स्टार्ट 19 में, बिल्कुल नहीं जा रहा बैकग्राउंड में। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है जिसमें हर घर में टैप वाटर दे दिया गया, वो अंडमान निकोबार, और इसी कारण से कहा गया कि इसको क्या गया, क्या स्वच्छ सुजल प्रदेश आ गया। दूसरा स्टेट कौन बना है, तो पुडुचेरी। दूसरा स्टेट कौन बना है, तो पुडुचेरी। तो एक स्टेट ये बना, दूसरा पुडुचेरी। यूटी की बात करूं, अभी यूटी की बात करूं, आप गोवा स्टेट की बात करो,
यूटी की बात है, गांव बिल्कुल, गांव हरियाणा नहीं, गोवा हरियाणा, गांव के एक कहीं हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का है उसको अपडेट कर लेना, हरियाणा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरह से वो बना है, ठीक है ना। अभी मैं स्टेट बनाऊ यूटीज की बात कर रहा हूँ भाई, यूटी अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पुडुचेरी, पुडुचेरी बना। अब सुनना इसके बाद, और आप प्लीज जल जीवन मिशन में इसको ही सही करना, सॉरी जो स्वच्छ सुजल प्रदेश में आप इसको ही टिक करना, इसको टिक करना, जल जीवन मिशन में भले ही कर देना लेकिन स्वच्छ सुजल प्रदेश में अंडमान निकोबार के अलावा कोई भी स्टेट को आप टिक नहीं करना, ठीक है ना। बस समझना क्यों, मैं तो कह रहा हूं कि स्वच्छ सुजल प्रदेश वो प्रदेश होता है जिस प्रदेश में 100% टैप वाटर होता है, तो वो हुआ अरुणाचल, वो कौन सा हुआ हमारा, अंडमान निकोबार। वहां पर अगर मैं स्वच्छ सुजल प्रदेश करूंगा तो मैं यहां पर इसका भी नाम, पुडुचेरी का भी नाम नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि इसमें 100% क्या है, 100% हाउस होल्ड के पास तो कनेक्शन हो गए, लेकिन इसके साथ कुछ और कंडीशन लिखी हुई, क्या कि उसे ओडीएफ फ्री होना चाहिए, ओपन डेफिसिट फ्री होना चाहिए। और ओडीएफ जो आया था, ओडीएफ आया था वो कब आया था, तो ओडीएफ के बाद ओडीएफ प्लस भी होना चाहिए, और ओडीएफ प्लस के बाद ओडीएफ प्लस प्लस फ्री भी होना चाहिए, ODF प्लस प्लस फ्री होना चाहिए। तो ये एक दरवाजा बंद जो नीचे दरवाजा बंद 2014 में आया था, तो ODF 14 में आया, और ODF प्लस प्लस कब आया, 18 में आया, ODF प्लस प्लस 18, ये 14 में आया, ये 18 में आया, ये भी 18 में आया था। उनका मतलब देखना, ओपन डेफिसिट फ्री, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अमिताभ बच्चन को, खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की बात है, अमिताभ बच्चन बने थे। और सुनना, तो इसमें क्या होगा कि ओडीएफ की मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मैंने कहा कि ये 1 मिनट चल रहा है जो अभी चला है, इस समय एक ऐसे स्टेट का नाम बताओ जहां पे कोई भी ओपन डिफिसिट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ओडीएफ। समझना, 1 मिनट में, पर्टिकुलर मिनट में कोई भी पर्सन वहां का ओपन डिफिसिट में नहीं है तो उसे ओडीएफ बोलते हैं। और ओडीएफ प्लस किसे बोलेंगे देखना, कंफ्यूज नहीं होना, ओडीएफ प्लस किसको बोलेंगे सुनना, ओडीएफ प्लस उसको बोलेंगे कि अगर पूरे पूरे 1 दिन में, पूरे 1 दिन में कोई भी पर्सन क्या नहीं जाएगा, ओपन विजिट नहीं कर रहा होगा, 1 डे का प्लस 1 डे में कोई नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, ऑल जितने भी वहां पे टॉयलेट्स बने हुए हैं वो फंक्शनिंग है, तो ऑल टॉयलेट अगर फंक्शनिंग है तो वो किस में आ जाएगा, ओडीएफ प्लस में आ जाएगा, ऑल टॉयलेट। लास्ट कौन सा, ओडीएफ प्लस प्लस कौन सा आएगा समझना, कि जो वो उसका वेस्टेज होगा, उसको वेस्ट को हम, वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो रिसाइकल कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज कर रहे हैं कि वो गंदगी नहीं फैला रहा, या किसी रिवर में जाके मर्द नहीं होता, तो उसको जो वेस्ट को भी मैनेज कर रहा है, तो वेस्ट को भी जो मैनेज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ओडीएफ प्लस प्लस। तीनों की कंडीशन अलग है, 1 मिनट में, 1 डे और ऑल फंक्शनिंग, प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा कि वेस्ट को मैनेज कर रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, ओडीएफ प्लस प्लस, है ना, एनर्जी बना रहा है, वेस्ट को यूज कर रहा है। तो ऐसे करके अगर ये 1 2 3 4 चीजें हैं तो वो स्टेट क्या बना कहलाता है, स्वच्छ सुजल। और ऐसा स्टेट कौन है, केवल अभी तक अंडमान एंड निकोबार है, बाकी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं। तो दोनों कंफ्यूज मत होना, भले ही जल जीवन उसमें अचीव किया, प्लीज एक्सप्लेन ओडीएफ अगेन। शिवमगर, चलो बता देता हूं, लेकिन आंसर सही करना शिवमगर, ठीक है ना। देखो जल जीवन मिशन ओडीएफ मतलब क्या होता है, कि मैंने कहा कि जो अभी मिनट, जो भी अब आप वॉच करो, जो ये मिनट स्टार्ट हुआ, 1 मिनट के अंदर मैं अगर पूरे अंडमान निकोबार में देखा गया, तो कोई ना कोई 1 मिनट ऐसा था जिसमें कोई भी ओडीएफ फ्री, मतलब ओडीएफ पर्सन नहीं मिला मुझे, कि वो खुले में शौच कर रहा हो ऐसा मुझे पर्सन नहीं मिला, तो एक ऐसा मिनट था उस स्टेट का, तो वो बोला गया ओडीएफ कैटेगरी में आया। ओडीएफ प्लस में क्या है कि एक दिन पूरा ऐसा था जिसमें कोई भी ओपन डेफिसिट करते हुए नहीं दिखाई दिया गया, तो ओडीएफ में आया, और जितने भी टॉयलेट थी वो सब फंक्शनिंग है, कोई भी ऐसा नहीं खराब पड़ा हो, वाटर की फैसिलिटी नहीं हो, तो वो ओडीएफ प्लस में आया। और ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, तो जहां पर उसका जो वेस्ट होगा, उस वेस्ट को भी अगर रिसाइकल या रीयूज कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, ओडीएफ प्लस प्लस। तो एक ऐसा स्टेट जिसमें ये ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ प्लस है, और जल जीवन मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, उसको बोला जाएंगे स्वच्छ सुजल प्रदेश बोला जा रहा है। तो वो एक स्टेट कौन सा है, तो ये कौन सा है, अंडमान निकोबार, बस ठीक है ना। अब इससे ज्यादा नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा ये वाली। अब आया कौन सा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या किया इसने, यूरोपियन यूनियन ने कितना फाइन लगाया है, कितना फाइन इम्पोज किया है, तो यहां पर किया है 4.4 बिलियन डॉलर का फाइन इम्पोज किया, किस पे, गूगल पर। करने दो उसको, हमें क्या मतलब पड़ी है। इंडिया ने कितना किया है, इंडिया ने कितना किया इस समय, इंडिया ने कितना किया इस समय, पूरा करेक्ट बताओ ये 1300 CR, गलत मतलब अप्रोक्स है, सही करो इसको,
ये युवराज, युवराज 13, 1337 जो है करोड़ का जो फाइन इंपोज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, आगे आएगा इंडियन इंडिया 76, वेरी गुड मानवी, तो 76 वो भी सही है लेकिन ठीक है 0.76 ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इतना याद करें तो भी फाइन इंपोज किया, क्यों फाइन इंपोज किया है, कहा गया है कि किसने फाइन इंपोज किया है, किसने फाइन इंपोज किया, फाइन इंपोज करने वाला कौन है, सीसीआई, सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने इंपोज किया है, सीसीआई का फॉर्मेशन जो एक्ट था वो 2002 का है, याद रखना सीसीआई का जो एक्ट है वो 2002 का है, उसने क्या किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी ने क्या किया था इंपोज किया फाइन, क्यों फाइन किया जस्ट एक लाइन में सुनना, कोई मतलब का नहीं है, पता नहीं अगर वन लाइनर या दो तीन लाइनों में एक को सेट करना वन टू में आ जाए तो बात की बात है नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम हुई ये सुनना, अभी क्या किया है? जब आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको उसके साथ कुछ इनबिल्ड ऑलरेडी इनबिल्ड क्या मिलते हैं आप लोग को, तो ऐप मिलते हैं, जब वो इनबिल्ड ऐप मिलेंगे तो वो ऐप तो बताओ बिना वो हटते भी नहीं है, रिमूव भी नहीं कर सकते, अगर मेरा मन है कि मैं उसको नहीं यूज करना चाहता तो आपके पास क्या नहीं है, एक्ट आया था इसमें सीसीआई बॉडी बनी थी 3 में, प्लीज इसको सुन लिया करो ठीक से, है ना, तो अब अगर मैं नहीं कर सकता मतलब क्या नहीं कर सकता उसमें यूजी, मुझे मजबूरी यूज करना पड़ेगा, तो आप दूसरे ऐप की कंपटीशन खत्म कर रहे हो, तो उस कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में ऐसा किया गया है, और उसने कहा है, गूगल ने कहा है कि मैं कंपटीशन खत्म नहीं कर रहा हूं, क्यों, मेरा कंपटीशन जो है वो किसके साथ है, एप्पल के साथ है, तो उसने कहा कंज्यूमर जो हमारा सीसीआई, उसने कहा कि आपका एप्पल एप्पल साथ नहीं है, आपकी मोनोपोली है इस मार्केट में, क्यों, कोई भी एंड्रॉइड दूसरा तो बनाता नहीं है, एक प्रोडक्ट आप ही बनाते हो, जबकि दूसरा प्रोडक्ट होता अगर एंड्रॉइड का दूसरा प्रोडक्ट होता तो हम कंपटीशन मान लेते, तो इस कारण से इसको क्या किया गया है, तो इसको फाइन लगाया गया, वो देख लेना, तमिलनाडु लंच ब्रेकफास्ट स्कीम, प्राणिक नीड है क्या, पीएम पोषण, वेरी गुड अर्नव बानवी अमन तो है, अच्छा पीएम पोषण, तमिलनाडु में ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, जरा कितने लोग बता सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे मिड डे मील स्कीम 99, मैं पूछूंगा ही नहीं, सब कह रहे 1995 में, बताऊंगा ही नहीं, 99 में पूछूंगा ही नहीं, हाँ इंक्रीमेंट 9.6%, अच्छा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया है, 9.6% का उसमें इंक्रीमेंट किया गया है, सही है, अच्छा ये बताओ कि ये जो स्कीम है वो फंडेड कैसा है, सेंट्रल फंडेड है या स्टेट फंडेड है या दोनों के से फंडेड है, सेंट्रल स्टेट बोथ फंडेड है, तभी तो ब्रेकफास्ट ऐड कर पा रहे हैं, तो इस तमिलनाडु कह दिया कि मैं उसकी फंडिंग मैं कर लूंगा, तो बोथ फंडेड है, अगर आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, बोथ फंडेड, पीएम पोषण के से आता है, बोथ फंडेड है, इतना देख लेना, ये छोटी सी बात मेरी बताई हुई है, आगे मूव करता हूं मैं, नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, लंपी वायरस स्किन डिसीज, हाँ एक बार देख लेना क्योंकि न्यूज में था, लंपी वायरस को एक बार देख लेना, बस एक ही चीज आप लोग को इसमें देखना, लंपी वायरस इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं जो ज्यादा न्यूज में घूमते रहे, बस उनको देख रहा हूं, लंपी वायरस का नाम क्या था, तो एक बार देख लेना, कैप्रीपॉक्सविन, ये इसका वायरस का नाम था, जिसके वायरस का नाम था, ठीक है ना, और बिल्कुल जाम्बिया में सबसे पहली बार देखा गया था, जाम्बिया में सबसे पहले देखा था, लेकिन ये इसके वायरस का नाम था, सुनना, जब ये वायरस का नाम था ये किस में आ रहा था, तो बेसिकली किसकी किसकी तो काऊ में, गाय में थी, जो काऊ में थी, काऊ में होने के बाद ये सबसे ज्यादा कहां पर था, तो कहा गया कि हाईएस्ट जो देखा गया वो देखा गया गुजरात में, और गुजरात एक ऐसा स्टेट था जिसने कुछ दिन के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द एनिमल्स को बैन लगा दिया था, वो गुजरात था, बाद में जाके कहां पे आया, तो किन किन स्टेट में था, तो ये राजस्थान, राजस्थान के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद गुजरात, इतने स्टेट में क्या था ये, गुजरात में ये पीक पॉइंट में था लंपी वायरस, और इसमें डेथ रेट कितनी थी, तो डेथ रेट बताते हैं कि इसमें कितना 1-5% इसकी डेथ रेट थी, मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी लंपी, और जब ये डेथ थी, सुनना, तो इसमें किसकी वैक्सीन यूज की जा रही थी जिससे ये ठीक हो रही थी, वैक्सीन किसकी थी, जो वैक्सीन गॉट मतलब बकरियों में गॉट, और सिप मतलब भेड़ों में, उनमें जो वैक्सीन थी उन वैक्सीन को क्या किया गया था, यूज किया गया था इनसे बचाने के लिए, गॉट की जो वैक्सीन थी और सिर्फ दोनों की जो वैक्सीन थी उनको यूज किया गया था, क्या करने के लिए, इनको बचाने के लिए यूज किया गया था, बस ठीक है ना, इतना बात याद कर लेना, लंपी वायरस किससे बिलोंग करता, हाँ जेनेटिक वायरस मतलब क्या, इनसे ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है, हाँ ये लिखी हुई ना, ये देखो लिखी हुई ना, अगर इसमें इसमें क्या ह्यूमन में ट्रांसफर, नहीं कोई नई वैक्सीन नहीं थी इसकी,
वीडियो लैग कर रहा है क्या? हाँ चल खंडेलवाल, कोई बताता है वीडियो लैग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना, रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। तो ये था, तो ये कुछ इनके बारे में था, सुनना। और क्या बताया, लंबी वायरस, क्या ये बीमारी ट्रांसफर हो रही थी क्या किसी से, मतलब जो हमारे एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर, तो नहीं, एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए प्रोवाइड किया गया था, उसके मिल्क को यूज नहीं करें, जिसको लंपी हो रखा है उसके मिल्क को यूज करना मना कर दिया था, और बस इतनी बातें देख रहे हैं, ठीक है ना। रोजर फेडरर फेयरवेल, कौन स्टूडेंट, क्या मैंने पढ़ाया क्या रिसेंट पढ़ाया, लास्ट लेक्चर ही मैंने पढ़ाया क्या, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया क्या कि रोजर फेडरर फेयरवेल पढ़ाया ना मैंने। चलो अब ये देखना कहां से बिलोंग कर रहे, स्विट्जरलैंड से, और मैंने बताया था कि इनके नाम का क्वाइन चलाया गया था, अभी बिल्कुल चलाया गया था ना, पहले ऐसे पर्सन थे जिनके नाम का क्वाइन चलाया गया था वो। अब ये बताना कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, तो 20 ग्रैंड स्लैम जीते, 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, 20 ग्रैंड स्लैम, बिल्कुल 20 ग्रैंड। अच्छा फर्स्ट कब जीता था, 2003 में जीता था, 2003 में जीता। चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछता, इनको क्लासीफाई कर दो, चार होते हैं ना, चार होते हैं ना, आराम से एक ही लाइन में क्लासीफाई करना, चार एक ही लाइन में क्लासीफाई करना, कि ऑस्ट्रेलिया पहले देख रहे, देखना ऑस्ट्रेलिया ओपन कितने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन कितने जीते हैं उन्होंने, फ्रेंच के बाद विंबलडन कितने जीते हैं उन्होंने, और यूएस कितने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच 6185, 6185, 6815, कोई कह रहा 6815, 6815, मतलब फ्रेंच आप आठ करोगे ना, 6815, फ्रेंच एक है, बिल्कुल फ्रेंच एक है, ये सही करो, आप सही करो, गलत कर रहे हो, ये सही है, फ्रेंच एक करे। अब बताओ यहां पे क्या करूंगा, इसको 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 ए को गायब कर दो, अब बताओ 6185, 6185, 6185 इज राइट आंसर, ये राइट आंसर है, इतने ग्रैंड स्लैम इस ग्रैंड स्लैम को मिलते, बिल्कुल सही है, ये वाला राइट आंसर है, ठीक है ना। लोग ये गलत कर रहे थे, यहाँ पे वन ही है, याद रखना फ्रेंच ओपन है, एक ही उन्होंने जीता फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, ये इनका है। हाईएस्ट हाईएस्ट किसने जीते हैं आज तक, हाईएस्ट किसने, राफेल नडाल, वेरी गुड, राफेल नडाल ने आज तक हाईएस्ट जीते, राफेल नडाल ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते अभी तक, तो राफेल नडाल ने कितने, 22, वेरी गुड, 22, 22 ग्रैंड स्लैम जीते। अभी रिसेंटली लास्ट ग्रैंड स्लैम कौन था, कौन सा है, अभी रिसेंटली लास्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है राफेल नडाल का, राफेल नडाल का, प्लीज राफेल नडाल का बताना, मैंने पढ़ाया था पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, नहीं ऑस्ट्रेलिया से पहले वाला था, ऑस्ट्रेलिया जीता था मैं मान गया, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन सबसे पहले होता ऑस्ट्रेलिया, देन फ्रेंच, देन विंबलडन, देन यूएस, शुरू के ऊपर दोनों उन्हें जीते थे, तो इनका लास्ट था कौन सा, कौन सा, फ्रेंच ओपन, इन्होंने लास्ट जीता फ्रेंच ओपन, इसने जीता, ठीक है ना। बस इतनी बात तो देख लेना, बाकी मैं इसमें डील में नहीं जा रहा, स्पोर्ट्स बहुत पढ़ा हम लोगों ने। पीस एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल असम गवर्नमेंट एंड ट्राइब्स ग्रुप्स, यही है ना, ब्रू एग्रीमेंट के बारे में बता रहे। सर ये टॉपिक क्लैट में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप मैं वो कर रहा था ना रोजर फेडर, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ के मत चले जाना क्लैट के लिए। सेंट्रल असम गवर्नमेंट एंड ट्राइब्स ग्रुप्स क्या है, देखना अभी एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह के साथ, असम गवर्नमेंट मतलब हेमंत बैश्व, हेमंत, और उसके बाद ट्राइब्स, कितनी ट्राइब्स, एट ट्राइब्स, आठ ट्राइब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और इन ट्राइब्स ने कहा कि हम अपने वेपन्स को छोड़ देंगे, हम अपने वेपन्स को छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। तो अमित शाह इनके इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और क्या छोड़ देंगे लोग, वेपन्स को छोड़ने की, बस इनकी जो डिमांड्स है सारी सेवन की सेवन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट ने, और इनने अपने वेपन्स को छोड़ दिया है। तो ये अभी का है, तो प्लीज एट ट्राइब्स के नाम याद रखना, वहां के सीएम और किसके साथ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो इसका अमित शाह को आना पड़ेगा। अब आप जो जो अभी कमेंट करते ब्रू एग्रीमेंट के लिए, तो ब्रू क्या एक ट्राइब है, जो ब्रू एक ट्राइब है तो वो क्या करेगी समझना, ब्रू ट्राइब है, हुआ क्या था, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में कौन है, मेघा, मिजोरम, समझ लेना, यहां पे जेनोसाइड हुआ 14 में, जेनोसाइड से बहुत सारे ब्रू जो थे वो कहां पे आ गए, जो ट्राइब से, वो ट्राइब कहां पे, त्रिपुरा में आ गई, जब यहां से यहां पर आ गई, यहां पे कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेट 32,000 लोग यहां पर आ गए, प्लीज नोट कर लेना आप लोग, है ना, जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, 32,000 लोग यहां पर आ गए, और हुआ क्या कि अब कहा गया कि इनको फिर से घर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब इनको एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि यहां से यहां पर आ गए, अब यहां पे इनको घर चाहिए, तो यहां पे 32,000 को घर चाहिए, तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने 6,000 crore की फंडिंग की है, और कहा गया कि इनको सेटलमेंट किया जाए, तो सेटलमेंट किसको किया जाएगा, इन एग्रीमेंट को, ठीक है ना,
तो इसको सेटलमेंट किया जाए, तो ये कहां की ट्राइब थी एक्चुअली, जो ब्रू ट्राइब थी वो कहां की थी, मिजोरम की थी, लेकिन अब कहां पे पहुंच गई, तो कहां पे पहुंच गई आपकी, त्रिपुरा में पहुंच गई है। अब त्रिपुरा में पहुंच गई तो शेड्यूल कौन सा होगा, शेड्यूल कौन सा होगा, सिक्स, चलो गुड, शेड्यूल कौन सा होगा, शेड्यूल कौन सा होगा, सिक्स होगा, शेड्यूल सिक्स होगा, बस इतनी बात हो। देखना ये एग्रीमेंट है, ब्लू टाइप का एग्रीमेंट है, ब्लू कहां की थी, यहां की थी, यहां की थी, ठीक है। 1997, क्या 1997 देवांश, क्या 1997 6000 की 60000, 6000 क्या लिखा है, 60000, 6000 का, 60000 का, 60000 में सैयद जनसा, ओके जयसन, ईयर मेंशन ऑफ ब्रू किसका, इरके हमेशा मारा दीदी, जेनोसाइड 1997 बता रहे ना, जेनोसाइड अभी जो हुआ 2020 का था, व्हाट इज 6000 फंडिंग थी, इतना पैसा दिया गया इस 32000 लोग को, इतना फंडिंग दिया गया है, जो लोग आए इतना फंडिंग दिया गया इन लोगों को ना, इसरो का थोड़ा पढ़ा दो, इसरो का थोड़ा पढ़ा, सुभाष गिल, इसरो का थोड़ा पढ़ा दू, पता नहीं इसरो तो यार बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, चलो देखो अभी देखो, देखते हैं टाइम बचेगा तो कराता हूँ। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक ये नहीं पढ़ना, छोड़ देना, चीताज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, परेशान हो गया मैं तो पढ़ा पढ़ा के, ठीक ना, कूनो ऊनो हाँ मुझे पता है, सारे कमेंट आएंगे हटा दो। गवर्नमेंट प्लान दो, पीएम क्या प्रणाम स्कीम, व्हाट इज द पीएम प्रणाम स्कीम, कोई बता सकता है पीएम प्रणाम, इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैं स्कीम बार बार छोड़ रहा था, वो स्कीम ठीक है, अपडेट कर लेना, पीएम प्रणाम बिल्कुल फर्टिलाइजर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस बार के लिए, फर्टिलाइजर के बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्यों समझना, फिर करंट में पीएम प्रणाम स्कीम कब आई, अभी आई रिसेंटली 2022 की स्कीम है, सितंबर 2022 की स्कीम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या खत्म करना चाहते हैं, डिपेंडेंसी पे फर्टिलाइजर को हम लोग खत्म करना है, फर्टिलाइजर भी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी खत्म कर, अब हमें इस समय कितना बजट हमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी में देना पड़ता है, देखो देखो फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कितना देना पड़ता है, तो 2.25 लाख करोड़, अब सोचो कितना बड़ा अमाउंट हमें सब्सिडी में देना, और हम लोग हाईएस्ट फर्टिलाइजर इंडिया में कहां से परचेज करते हैं, किस कंट्री से, तो देखो चाइना से, लेकिन अब वो रिप्लेस हो गया, अभी रिसेंटली इसी साल अभी रिप्लेस किससे हो चुका है, तो रसिया से, अब हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कहां से परचेज करते हैं, रसिया से परचेज करते हैं, रसिया से। आपको सर अगर हमने फर्टिलाइजर बंद किया तो हमारी ऑर्गेनिक मतलब जो कल्टीवेशन है खेतियां वो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, तो कहने से चाइना जैसा हाल हो जाएगा, हम चाइना जैसा नहीं करेंगे, कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे कदम करेंगे। और जैसे आप लोगों ने सुना था कि हम लोग 10 किलोमीटर का गंगा कॉरिडोर बनाएंगे, 10 किलोमीटर का, और जहां पर ऑर्गेनिक फ्री हम क्या क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करेंगे, तो बस उस बात से, तो इसको देखना है, इसको खत्म करने की बात है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, हर स्टेट में अलग अलग सब्सिडीज है, अलग अलग पैसा है, तो हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर भी ला रहे हैं कि एक राष्ट्र में एक ही फर्टिलाइजर चलेगा बस, ठीक है ना, ठीक है। ये चाइना रसिया ये हुआ, इसको देख लेना, पीएम ने लॉन्च किया, इसके फर्टिलाइजर रेट कर दे, बस इतनी बातें बहुत है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर देख होने दो, ये मीटिंग में जाना, तो मीटिंग से मैंने कहा था, मीटिंग से कोई मतलब नहीं। आरबीआई रिमूव द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द प्रोटेम्प्ट एक्शन नहीं करना, हाँ इससे मैं आरबीआई से मुझे याद आई एक बात, देखो आरबीआई से एक छोटी सी बात याद आई, आपको कितने लोग बताया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द करेंसी हुई थी, करेंसी का डिजिटलाइजेशन हुआ था, नहीं करना वो सेल से, नहीं करना आप लोग, नहीं करना सीएलसी वाला, है ना, सीबीडीसी बनी थी 1934 में, सीबीडीसी बने, सीबीडीसी में कलस, सीबीडीसी बनी थी ना, आरबीआई ने सीबीडीसी का फॉर्म सीबीडीसी बनाई थी ना, सीबीडीसी मैंने क्या पढ़ा था सीबीडीसी में, सीबीडीसी इसने कब लॉन्च की थी करेंसी, एक नवंबर को लॉन्च की थी क्या, एक नवंबर लॉन्च की थी ना, अच्छा बता ना, होलसेल मार्केट के लिए लॉन्च की थी, रिटेल मार्केट के लिए लॉन्च की थी, होलसेल मार्केट के लिए की रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट के लिए, तो देखो होलसेल मार्केट के लिए था और रिटेल, दो मार्केट थी, जरा बताना जब मैंने आपको कहा था कि रिटेल मार्केट के लिए कब लॉन्च की जाएगी, रिटेल मार्केट के लिए कब लॉन्च की जाएगी, 1 दिसंबर को लॉन्च, 1 दिसंबर निकल गया क्या, जब 1 दिसंबर निकल गया तो लॉन्च हो गई होगी, हो गई है, सुन लो बात को ठीक से, अपडेट कर लो इसको, हो गई है ये, ठीक है ना, तो रिटेल मार्केट के लिए, रिटेल मार्केट के लिए इसको अपडेट कर लेना, सुनना रिटेल मार्केट के लिए देखना, अभी हुआ है केवल 4 सिटी में हुआ है, 4 सिटी में इसको लॉन्च किया गया, 4 सिटी कौन कौन से, तो देखना बेंगलुरु के बाद दिल्ली के बाद मुंबई के बाद भुवनेश्वर, इतनी सिटी में इसको लॉन्च किया गया है रिटेल मार्केट में इतनी सिम लॉन्च की गया, और कितने बैंक से लॉन्च किया, केवल 4 बैंक को परमिट दी गई है, 4 बैंक को परमिट दी गई है इसको लॉन्च करने के लिए,
तो चार बैंक ही परमिट परमिट मिली है, नाइन बैंक्स होलसेल मार्केट में, नौ बैंक थे यहाँ पे भी रिटेल मार्केट के लिए, चार बैंक को परमिट दी गई है। और जो चार बैंक हैं उनके नाम अगर देखना तो देख सकते हो, एसबीआई है, एसबीआई है, एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई है, आईसीआईसी यस बैंक है, यस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है। इतने बैंकों को परमिट दी गई है, केवल चार बैंकों को परमिट दी गई। रिपीट सिटीज, अच्छा रिपीट सिटी बेंगलुरु है, दिल्ली है, बेंगलुरु दिल्ली के बाद मुंबई है और भुवनेश्वर है, चार सिटीज हैं और चार बैंक हैं, चार बैंकों को परमिट मिली रिटेल मार्केट के लिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ठीक से अगर अभी क्वेश्चन पेपर बना होगा तो ये तो लेके ही जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे पूरे साल नहीं गिरा, बजट में भी था, कब से ये न्यूज कवर कर रहा है, तो इसको देख लेना है ना। चलो मैं इससे मूव कर जाता हूँ नेक्स्ट में, इंडिया प्रेसिडेंट आईडीबी, ठीक है ना, प्रेसिडेंसी फॉर द एआईबीडी, एआईबीडी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट, हर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो ये एजेंसीज है जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1977 में। कितनी कंट्रीज इसके पार्ट है, एक ग्रुप है, कितनी कंट्रीज के पार्ट है, कितनी कंट्रीज इसके पार्ट है, कितनी कंट्रीज, 26, ध्वनि जैन 26 सही है। सर पीसीए समझा दो, क्या समझा दो, पीसीए, क्या पीसीए, ठीक है ना। ये नहीं करना आप लोग को, क्यों परेशान परेशान, ये भी नहीं करना आप लोग को, होगा तो मैं जरूर समझा दूंगा ना। 26 कंट्रीज के पार्ट है। अब हुआ क्या है रिसेंटली कि पिछली बार प्रेसिडेंट कौन था, इंडिया था, और नेक्स्ट ईयर के भी ले प्रेसिडेंट भी कौन है, फिर से इंडिया ही 2023 की प्रेसिडेंसी अपने पास रखेगा। बस इतनी बातें देखनी और कुछ भी आपको नहीं देखना, ठीक है ना। कोलालंपुर इंडिया, यस हेडक्वार्टर कोलालंपुर है, वेरी गुड, हेडक्वार्टर कोलालंपुर में, हेडक्वार्टर कोलालंपुर में, ठीक है ना, हेडक्वार्टर कोलालंपुर में। बस इतनी बातें देखनी और कुछ नहीं करना, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखता हूँ। देखो ग्लोबल रजिस्ट्री फॉर द पॉसिबल लॉन्च नहीं करना, ठीक है ना, फालतू की चीजें, फालतू में बहुत फालतू नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कौन सा, अंबेडकर सर्किट, इंपॉर्टेंट मार्क करो अंबेडकर सर्किट, मयंक अग्रवाल, हाँ मयंक अग्रवाल उसके वो थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो अंबेडकर सर्किट। मैं समझा रहा हूं दो बातों को समझना। एक हमारी स्कीम आई थी स्वदेश दर्शन, नाम सुना होगा आप बहुत, अगर न्यूज पढ़ते हो कंटिन्यू तो पढ़ा होगा स्वदेश दर्शन। एक स्कीम आई थी प्रसाद, एक स्कीम आई थी प्रसाद, एक थी स्वदेश दर्शन। प्रसाद और स्वदेश दर्शन दोनों को देखना। प्रसाद जो लॉन्च, प्रसाद से मुझे मतलब नहीं है, प्रसाद तो केवल किसके लिए थी, वो जगह जो हॉली रिवर है, मतलब रिलीजियस, मतलब गॉड से रिलेट करती हुई जगह है, उनको अगर हम लोग दिखाएंगे तो वो उसकी जगह थी। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या थी, इसमें स्वदेश दर्शन 2014-14 एंड 2015 में लॉन्च की गई थी, और ये जो स्कीम टूरिज्म से लॉन्च की गई तो कंफर्म है। 15 सर्किट्स को क्या किया गया था, डायरेक्ट किया गया था कि हम यहां पर ट्रेन चलाएंगे, और उनमें से अभी रिसेंटली कौन सा सर्किट, अंबेडकर सर्किट बनाया गया, अंबेडकर सर्किट बनाया गया। और जैसे अंबेडकर सर्किट बनाया गया, अब अंबेडकर सर्किट में ये सर्किट, वो ट्रेन कहां कहां जाएगी, जहां जहां पर अंबेडकर की क्या की जाएंगी, अंबेडकर की चीजें होंगी, रिलेटेड चीजें होंगी ऐसा। तो अंबेडकर रिलेटेड चीजें कहां कहां पर है समझना, अंबेडकर जी की देखो कहां, सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली रहेगी, दिल्ली से कहां जाएगी, मैं वर्ल्ड इंडिया मैप को देखते रहना तो सारी सारी बातें समझ में आती रहेंगी, कहां से जा रहे हैं। ये दिल्ली है तो दिल्ली से स्टार्ट होगी, दिल्ली से सीधे जाएगी एमपी मध्य प्रदेश, जहां पर उनका बॉर्न हुआ था, एमपी मध्य प्रदेश जाएगी, तो ये दिल्ली से पहुंची एमपी, एमपी से यहाँ पे नागपुर में जाएगी, वहां से नागपुर जाएगी, नागपुर के बाद कहां पे जाएगी, डेथ डेथ आई थी, और जहां से इलेक्शन फाइट किए थे वो कौन सा जगह, मुंबई, तो उसके बाद कहां पे जाएगी, ये मुंबई में जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगी। तो दिल्ली नागपुर, सॉरी दिल्ली, दिल्ली से एमपी, एमपी से कहां जाएगी, नागपुर, नागपुर से जाएगी मुंबई, ये इस जगह को रूट को कनेक्ट करेगी, ठीक है ना। सुनना लंदन नहीं जा पाएगी, प्रॉब्लम क्या है लंदन जाने में, लंदन जाने में प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रेन है, इस कारण से नहीं जा पाएगी, खत्म। तो ये हो गया अंबेडकर सर्किट, स्वदेश दर्शन का वो है, और प्रसाद इसकी अलग है। प्रसाद में ई प्रसाद भी आपने सुना होगा कि बहुत सारी जैसे ऐसे टेंपल्स होंगे जिन टेंपल्स में ई प्रसाद दिया जाएगा। ई प्रसाद का मतलब क्या है कि आप घर बैठे रहो, आपको प्रसाद मिल जाएगा ब्लूटूथ से, मतलब वाईफाई से, सामने दर्शन दे दी जाएंगे, खत्म। सर वंदे भारत कितनी रूट्स में चलती, चार रूट्स में चलती, वंदे भारत फर्स्ट सेकंड अभी स्टार्ट नहीं हुई, चार रूट में भी चलती वंदे भारत फर्स्ट, आगे चलने लगी तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग चार ही याद तक चलना है ना, गूगल पे आंसर अलग आ रहा, कोई बात नहीं, अभी चार कर दो, पांच हो गई, हो सकता है अभी नई आ गई हो तो मुझे नहीं पता, मैंने उस समय चार पढ़ाई थी, चक्कर नई आई हुई थी ना, नेम से बता देना, ठीक है चलो मैं नेम बता दूंगा, है ना।
मैं एक दो दिन में वैशाली आऊंगा तो आप एक बार मिल लेना है ना, और सब जितने डाउट हो तो कर लेना। तो ये 2023 ब्रेकथ्रू प्राइस, ठीक है ब्रेकथ्रू प्राइस, बहुत सारे प्राइस पड़े हैं, ये क्या है ब्रेकथ्रू प्राइस आपको नहीं पढ़ना, ठीक ना। ब्रेकथ्रू प्राइस की तीन फील्ड में जाता है, एक मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, फिजिक्स और मेडिसिन, इतने मेडिकल इतने फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। अब नहीं पढ़ना, बिल्कुल अपडेट नहीं करना, बहुत है इतना पढ़ लिया आपने, है ना, बहुत है इतना पढ़ लिया। तो आगे मूव करता हूं, REC लिमिटेड बिकम द 12th, बिकम द 12th महारत्न कंपनी। REC लिमिटेड बिकम द 12th महार, भारत में कितनी महारत्न कंपनी हो गई है, 12 12 महारत्न कंपनी हो गई। मैंने 12 महारत्न, महारत्न जो कंपनीज हैं उनके मैंने क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12 महारत्न का क्राइटेरिया बता चुका हूँ। अच्छा, पहला तो मैंने बताया था कि पहले 51% फंडेड होना चाहिए गवर्नमेंट से, ये दूसरा कि उनका 3 साल का टर्न होगा, 3 साल की प्रॉफिट, सॉरी 5000 CR, 3 ईयर की प्रॉफिट होनी चाहिए, या जो क्या टोटल रेवेन्यू कितना हो जाए 25000 CR का होना चाहिए 3 ईयर्स में, बस वो हो जाएंगे महारत्न की, महारत्न क्वालिटी। और ये किसकी कंपनी है, तो महारत्न कंपनी जो REC क्या है, REC ये इलेक्ट्रिक की कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी 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 जितने प्रोड्यूसर है उनको फंडिंग करने की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फंडिंग करती है उनकी कंपनी है, ठीक है ना। तो ये अभी आपने अभी पढ़ा था सौभाग्यश्री, उस स्कीम को फंडिंग भी इसने की थी, ठीक है ना। तो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है उनको फंडिंग करने का काम करती है, वो REC काम करती है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इसने इन्वॉल्व रही है, तो इसके काम भी अच्छे थे। तो रूरल एरियाज में क्या करना है, रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का जो काम करती है वो ये कंपनी करती है। तो बस इस कारण से इतनी इतनी फंडिंग हो गई है, महारत में आ चुकी है और कुछ नहीं। अगली लाइन सेम लिखी हुई है, कौन सी सेम कॉपी हो गई है। अगला 32nd ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर रेट नहीं पकड़ना, ठीक है ना, ये इंडेक्स नहीं करना। फिजाई इशूज द नेशनल रेटिंग नहीं करना, ठीक है ना, ये दोनों नहीं करना आप लोग को, बिल्कुल नहीं करना। जो होंगे तो मैं सारे बता दूंगा। ड्राफ्ट इंडिया टेलीकॉम बिल पढ़ाई पढ़ा हुआ है क्या, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ड्राफ्ट इंडिया टेलीकॉम बिल हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोग को, एग्जाम में भी आया हुआ है। उजाला, हाँ बिल्कुल, उजाला को इसे फंडिंग नहीं की थी, बस मानता हूँ सिलेक्ट कर दी, उजाला में इसकी फंडिंग नहीं थी, बस बता इसका ये वाला बिल पढ़ाने की नीड है क्या, जरा बताओ, जरा बताओ टेलीकॉम एक्ट कब आया था, जरा बताओ टेलीकॉम का एक्ट कब आया था, ओहो 1985 1985 1985, पढ़ा दो सर, क्यों भाई क्यों भाई पढ़ा दूं इसको, 1985 नाइन सं क्या संचित शर्मा 1985, भूल गया थोड़ा सा, बहुत अच्छा हो गया, 1985 क्या टेलीकॉम बिल 1885, 1997 1997 जो अभी रिसेंटली आया वो 1997 का TRAI, हाँ TRAI 1997 में आया था, उसी के रेगुलेशन में होता है, ठीक है। TRAI जो आया था उसके रेगुलेशन में होता है, TRAI और TRAI 1997 में आया था, ये बात यहां तक जमेगी। अब इसी बिल को रेगुलेट किया गया है, रेगुलेट करने के लिए बात मैंने थोड़ी सी बताया था, जस्ट मैं एक बार लाइन बोल देता हूं। हुआ क्या था कि अभी क्या था कि हमारे यहां जो इसका अमेंडमेंट आया था वो कब आया था, 2021 में अमेंड आया था, लास्ट अमेंडमेंट आया था 2021 में आया था, और इस समय इसमें रूल में चेंज किया गया है। और कितने रूल में चेंज किया गया था, 4 रूलों में चेंजमेंट किया गया है, 4 रूलों में जो चेंजमेंट किया है, तो मैंने 4 रूल आप लोग को बताए थे। और प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जब साइन अप करते हैं तो हमारे सामने वहां पर इश्यूज आ रहे थे, उनके जो रूल्स थे क्या कि पहले आपको क्या मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके कंडीशन लिखी होंगी कि आप ऐसे कंटेंट को नहीं डाल सकते, जैसे कि आपका फेसबुक में पहला रूल वो था, दूसरा रूल कौन सा था, दूसरा रूल था हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा रूल था, तीसरा रूल तक ग्रेवियंस से क्या होगी, कमेटीज होगी, उस कमेटी को जो रिस्पॉन्स करना होगा, 248 आवर्स वाला, हाँ यस आवर्स वाला था, और लास्ट कौन सा था, हाँ 72 आवर्स था, ये सही कह रहे हो आप, 72 आवर लास्ट में था और उसको पहले कम किया गया था, ठीक है वो लफड़ा सही है। इसके बाद लास्ट लास्ट रूल कौन सा था, लास्ट था कि जो नई कमेटी बनाएगी, अपेल्ड कमेटी बनाई जाएगी, वो ग्रेवियंस जो अपेल्ड कमेटी होगी वो क्या करेगी, हम लोग दोबारा उसमें जा सकते हैं अगर उससे हमें रिलैक्स नहीं मिलता, तो दैट्स इट खत्म, ठीक है ना। ये बातें थी और ये बातें मुझे बताने की नीड नहीं थी। विप्रो स्टेक, ठीक है ना, विप्रो में कुछ लोगों को निकाल दिया है तो क्या मतलब पड़े, निकालने दो ना, क्या करना है ना, विप्रो विप्रो ने कुछ लोगों को निकाल दिया है, उसको मूनलाइट मतलब क्या, वो दो जगह काम कर रहे थे, इसका उसको निकाल दिया, खत्म काम, हटा देते हैं इसको, दो जगह मतलब वर्क फ्रॉम होम में वो दो दो जगह काम कर ले रहे थे, इसका उसको निकाल दिया है। फिर आया क्वाड साइन द ह्यूमैनिटी, अच्छा क्वाड है, क्वाड के बारे में सबको पता है आप लोग को, I2U2 न्यूज में, तो प्लीज I2U2 को ठीक से पढ़ जाना ना। क्वाड जरा बताओ, क्वाड का अगली बार प्रेसिडेंट को अगली बार कहां पर होस्ट होने वाली है, क्वाड अगली बार कहां पर होस्ट होने वाली है, क्वाड इंडिया में, क्वाड इंडिया में होस्ट होगी अगले साल, एक लाइन में कमेंट करना, अगले साल तीन बड़े मीटिंग्स इंडिया में होने वाली है, एक ही लाइन में तीनों के नाम लिखना, एक ही लाइन में तीनों के नाम लिखना, मैं पढ़ सकूंगा।
जी ट्वेंटी एससीओ, चलो सही है, सबका सही है, जी ट्वेंटी, क्वाड और ये एससीओ, तीनों की मीटिंग इंडिया में होने वाली, तीनों की मीटिंग इंडिया में होने वाली। अब आया क्या है, स्वच्छ टाइकून कंपेन, नहीं करना टाइकून कैंपेन, नहीं करना ठीक है ना, स्वच्छ टाइकून में रहने दो, टाइकून बहुत पढ़ ली, टाइकून कैंपेन ठीक है जाने दो, हमने स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन पढ़ा था ना बहुत इतना। इंडिया रेलवे नहीं, नहीं पढ़ना हम लोग को, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमको बिल्कुल नहीं देखना ठीक ना। क्या फूड ब्रांच 2020 रिपोर्ट, बिल्कुल ये भी नहीं देखना। फाइव मेजर प्लांट, हाँ ये देखना, ये देखना, देखो क्या हुआ है अभी जरा देखो, एक नया अलायंस बना है, कौन सा, APOA, ये तीनों एक नया अलायंस बना है, ये पढ़ना है बस ठीक है ना, ये पढ़ना है, ये अभी रिसेंटली बनाया गया, ये अलायंस बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, और जो ग्रुप बनाया गया ये 2022 में बनाया है, 2022 में कहा गया कि पाम ऑयल का जो बहुत बड़े इंपोर्टर है, इंपोर्टर केवल इंपोर्टर का ग्रुप बना है, इंपोर्टर पाम ऑयल के इंपोर्टर का ग्रुप बना हुआ है पाम ऑयल। अब 2022 में कितनी कंट्रीज के मेंबर्स हैं, तो इसमें फाइव कंट्रीज इसके मेंबर बने, फाइव कंट्रीज इसके मेंबर बने, पांच कंट्रीज की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया ठीक है ना। और इसके यस पहली जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी, आगरा इंडिया में हुई थी, आगरा इंडिया में इसकी मीटिंग हुई थी, और आगरा इंडिया में होने के बाद आगरा फाइव कंट्री, पांच कंट्री के नाम देख लेना, इंडिया तो टॉप में रह गई, इंडिया 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 के बाद कौन सा था, इंडिया के बाद पाकिस्तान, देखो देखो इसके कहां पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद श्रीलंका, नेपाल के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, ये पांचों इसके मेंबर है, बांग्लादेश, बांग्लादेश ये इनको मेंबर है। ये कौन है, वर्ल्ड के हाईएस्ट, वर्ल्ड के तो नहीं कह सकता लेकिन हाईएस्ट इंपोर्टर है किसके, पाम ऑयल को, और पाम ऑयल का एक्सपोर्टर कौन कौन है, तो नंबर एक पे पाम ऑयल का एक्सपोर्टर कौन है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया नंबर, इंडोनेशिया और मलेशिया, सॉरी नंबर एक में नहीं, नंबर दो में इंडोनेशिया है, नंबर एक में कौन सा, मलेशिया है, नंबर एक में मलेशिया, नंबर दो में कौन सा, इंडोनेशिया है, जो कि वर्ल्ड एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है। अगर बात करें वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंपोर्टर कौन है, तो वर्ल्ड का नंबर एक में इंपोर्टर कौन है, कोई बता सकता है क्या, वर्ल्ड में नंबर एक का इंपोर्टर, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पाम ऑयल का इंपोर्टर कौन है, इंडिया, वेरी गुड, इंडिया कितना परसेंट इंपोर्ट करता है, इंडिया तो इंडिया 15% इंपोर्ट करता है वर्ल्ड का, 15% इंडिया इंपोर्ट करता है। सेकंड नंबर में लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, सेकंड नंबर में लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, चाइना, वेरी गुड, चाइना है, चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना थर्ड नंबर में, मैं इसलिए चाइना बता रहा हूँ क्योंकि इन ग्रुप में चाइना इंक्लूड नहीं है, लेकिन चाइना सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, थर्ड नंबर में पाकिस्तान आता है, थर्ड नंबर पाकिस्तान आता है, बस इतना देख लेना खत्म ठीक है ना, पाम ऑयल के इंपोर्टर एक्सपोर्टर में। और चलो मैं इसकी ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं जाना जाता, क्यों, पाम ऑयल यहीं पर होता है, बेसिक बहुत सारे रीजन है। इंडोनेशिया नेक्स्ट मीटिंग को होस्ट करेगा ठीक है ना, मीनाक्षी क्या, मनीष का बिल्कुल करेगा, सर इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा डर लग रहा है, कौन सा, प्रभव चतुर्वेदी, अभी मैं बाहर बाहर मेरी आवाज जा रही है पता है क्या, प्रभव मेरी आवाज बाहर तक जा रही है ना, और मैं ओपन कर दूं क्या, सर प्रभव मरेगा आज, तय है, तय है प्रभव है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब इतना पढ़ने पे, ठीक है माफ करो, नहीं 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 माफ तो नहीं होगा, अभी तो मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा भी है ना, बाहर ही बैठे हुए भी हैं, तो मैं एक बार मैं सोच रहा हूँ कि दिखाई दूं कमेंट प्रभाव के नीचे भी, स्क्रॉल करके कमेंट देख सकते हैं हम लोग प्रभाव, ठीक है सर मर जाऊंगा आज मैं भी भूलता हूँ है ना, नाउ क्या, तो प्रभाव इज गॉन बेचारा है ना, सारा चौधरी है ना बेचारा, हाँ ठीक है ना, किस्मत का मारा किस्मत का मारा प्रभो, देख लो अब मैं अगला क्वेश्चन भी प्रभो से ही करूंगा, और मुझे पता है कि बाहर मेरी आवाज जा रही जस्ट बगल में, और वो दरवाजा भी खुला हुआ है ना, ठीक है ना प्रभो, प्रभो तुम ही आंसर करना इसका ठीक है ना, रोड मैप मिशन इंटरव्यू, ये आपको लास्ट वाला नहीं पढ़ना, किस्मत का मारा है ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना ये लास्ट वाला ठीक है ना, मेजर कोई परेशान नहीं हो, सब रिवीजन ही हो रहा, कुछ नया तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, पुरानी चीजें तो बता रहा हूँ ना, नई मैं आईडी काम कर रहा हूँ। फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट फिर से देखो वही वाला आ गया, प्लांट बेस्ड मीट मतलब क्या है, फिर से वही फर्टिलाइजर, इसका बिल्कुल नहीं पढ़ना, मीट वाला लफड़ा था वो नहीं पढ़ना, पहले भी इसमें मीट पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में था कि करना क्या था हम लोग को इसमें, अब नहीं करना। कोसी थ्री मीटिंग, थ्री क्या, कौन सी थ्री मीटिंग थी जो होस्टिंग फॉर इंडिया, अच्छा कौन सी थी, तुषार सिंघल,
कैसी बातें कर रहे हो? तीन कौन सी मीटिंग थी? एक कौन सी थी? I2 सॉरी तीन G20 थी, SCO थी और एक अभी जस्ट बताई मैंने क्वाड, वो तीनों थे। ऐसी बातें मत करो। वर्ल्ड अप्रूव्ड 3.5 मिलियन लोन फॉर द क्या था? श्रेष्ठ जी स्कीम। मार्क करो इंपॉर्टेंट, मार्क करो श्रेष्ठ जी स्कीम को वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। जब भी वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा तो इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, ठीक है ना? तो वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, तो देखो श्रेष्ठ जी स्कीम पहली बात देखना ये कि हेल्थ स्कीम है, और हेल्थ स्कीम कहाँ की स्कीम है? तो कभी सेंटर की स्कीम नहीं है, स्टेट की स्कीम है। किसकी? स्टेट गुजरात की स्कीम है, गुजरात की स्कीम है श्रेष्ठ स्कीम। और इसमें इसमें इसका एनोगेशन किसने किया था? मोदी जी ने अभी रिसेंटली किया, मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था, ठीक है ना? और इसको फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो बस इसका, और प्लीज श्रेष्ठ जी लिखा, जी फॉर द गुजरात, श्रेष्ठ स्कीम से लेट मत कर देना, श्रेष्ठ बिल्कुल गलत हो जाएगा, श्रेष्ठ स्कीम से मत कर देना, श्रेष्ठ बिल्कुल गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ स्कीम को, श्रेष्ठ स्कीम कोई बता सकता है कि श्रेष्ठ स्कीम जो थी वो किससे बिलोंग कर दी? श्रेष्ठ स्कीम जो वो किससे बिलोंग करेगी? श्रेष्ठ स्कीम किससे बिलोंग करेगी? पिछले साल 6 दिसंबर को आई थी, बिल्कुल पिछले साल 6 दिसंबर को आई थी। नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट बता रहा हूं पिछले, बस वो आएगी एजुकेशन से, ठीक ना? एजुकेशन से बिलोंग करेगी। अब वो SC ST के एजुकेशन से बिलोंग करेगी वो श्रेष्ठ स्कीम, है ना? उनके मतलब 6 दिसंबर को डेथ यूनिवर्सिटी थी, किसकी डेथ थी? भीमराव अम्बेडकर की, BR अम्बेडकर साहब की, तो उसमें था, उसमें था। बस आप लोग इसको बस देख लेना, जिसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक ना? रिडक्शन ऑफ द चाइल्ड मैटरनिटी रेट, ठीक है, हमने कई बार देखा कि इसकी हमारी रेट गिर रही है चाइल्ड की, अब नहीं पढ़ना आप लोग को, है ना? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आया हुआ था, आपको पता है कि उसमें जो ये वाला पॉइंट था क्रिकेट से रिलेटेड हुआ एक आया था ना, एक पैराग्राफ आया था, लेकिन वो इससे रिलेट नहीं कर रहा, उसको तो पढ़ाऊंगा भी नहीं कि वुमेन्स और मेन्स की क्या कर दी गई, इक्वल कर दी गई, इक्वल पेमेंट कर दिया गया है, वो तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? पे पार्टी वाला बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा वो, ये वाला सुनना। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी रिसेंटली न्यू रूल्स लाए गए, नए नियम लाए गए। वो रूल्स कौन कौन से लाने वाले? सौरभ गांगुली थे, लेकिन अब BCCI का चीफ बदल चुका। BCCI का चीफ कौन है? BCCI का चीफ कौन है? BCCI का चीफ कौन है? बिन्नी, रोजर बिन्नी, कल ही परसों पढ़ाया मैंने, रोजर बिन्नी था, अब सौरभ गांगुली रिप्लेस। अब इसके रूल देख लेना, पहला रूल समझना, आप समझ जाओगे क्या कहना चाहता है। देखना पहले क्या होता था कि कैच होने के समय, देखो कैच होने के समय पूरे रूल समझ लेना और बाद में देख लेना वहां पे जो सेंटेंस हो, जब कैच होने के समय स्ट्राइक बदलती वो स्ट्राइक नहीं बदलेगी। पहला, कैच होने के समय जो स्ट्राइक बदलती थी जो पीछे वाला, आवाज आ रही है आपको? यस, चलो गुड, ठीक है ना? तो जस्ट बस देख लेना, सुन लेना इन बातों को, ठीक है ना? यस ऑडिबल, ओके। तो यहां पे पहली बात स्ट्राइक नहीं बदले कैच होने के बाद, दूसरी बात अगर टेस्ट क्रिकेट चल रहा है तो जब आउट होने के बाद जो दूसरा प्लेयर आता है उसको 2 मिनट के अंदर आना होगा, और अगर T20 की बात करूं तो 90 सेकंड के अंदर दूसरे प्लेयर को आना पड़ेगा आउट होने के बाद। थर्ड, आप लोगों ने शायद किसी को वो वाला जो जयपुर में सवाई मानसिंह में मैच चल रहा था क्या, कि जब उसने बॉलिंग की, किसने बॉलिंग की थी उस समय? अश्विन ने बॉलिंग की थी, और उस समय आई थिंक बटलर था, बटलर उसने क्रीज छोड़ दी थी पीछे नॉन स्ट्राइक में क्रीज को रनआउट कर दिया था, और उस समय उसको रनआउट उस समय दिया गया था, तो उसमें अब उसको लीगलाइज कर दिया गया है कि नॉन स्ट्राइकर को रनआउट माना जाएगा।
दूसरा, ठीक है ना, मैनकाइंडिंग, यस, ठीक है ना, तो वो रन आउट माना जाएगा, नॉन स्ट्राइकर को रन आउट माना जाएगा। थर्ड थर्ड लास्ट, चार ही रूल बदले हुए हैं, फोर रूल इसमें बदले गए हैं, चार लास्ट रूल देख लेना क्या था। सुनना कि जो बॉल होती है, बॉल को ग्रिप करने के भी स्लाइवा लगा देते थे मुंह से, वो स्लाइवा को अब उससे हटा दिया गया कि आप स्लाइवा को यूज नहीं कर सकते। बस चार रूल थे, चार रूल के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा चार रूल कुछ नहीं है, बाकी बाकी आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएंगे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, सॉरी आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, कहां पर है, आईसीसी का दुबई में, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। चलो डन, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्ड, ठीक है, इसको रीड में रखना। पहली बात तो ये मिशन है तो मैं इसको पढ़ा नहीं चाहता था, पर रीड करना। आयुष्मान भारत किससे रिलेट करता है, हेल्थ से, और कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। अब क्या है कि जैसे आपको एक कार्ड बनेगा, जैसे राजस्थान में जितने लोग आप सब राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो सबके पास एक क्या मिलेगा, सबके पास एक कार्ड मिलेगा, चिरंजीवी कार्ड मिलेगा। जो चिरंजीवी कार्ड होता है उससे आप जाके कहीं कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवा सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो जस्ट सेम मैनर में आयुष्मान भारत स्कीम भी आई, और आयुष्मान भारत में 14 डिजिट का क्या देते, कोड देते हैं, 14 डिजिट का कोड देते हैं, और उस कोड से आप कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो। मतलब फैमिली इंश्योरेंस की जगह जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो कार्ड 1 साल पहले बनना स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली कितना क्रॉस कर गया, 1 CR 1 करोड़ क्रॉस कर गया है, जिस कारण से ये न्यूज में आ चुका है। हेल्थ मिशन है, कार्ड बनेगा, कार्ड बनेगा और जाके चिरंजीवी जैसा है। अगर घर में आपके पास चिरंजीवी है तो आप इस बात को इजिली रीड कर पा रहे होगी। राजस्थान वाले तो राजस्थान है, हाँ ठीक है। तो ये आयुष्मान, ये सेंटर का मिशन है, सेंटर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बस एक कार्ड बनेगा और कुछ नहीं होगा। सेम डिजिटल उसके जैसा आधार कार्ड जैसा बनेगा। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, इतनी बात याद रखना। ये 14 डिजिट का है, आधार आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, याद भी होगा बहुत सालों, तो ठीक है ना। अगला क्या है, रशियन प्रेसिडेंट अनाउंस द क्या है, पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन, ठीक है, रहने दो। बहुत इसमें रशिया में हमने देख लिया कि पार्शियली मिलिट्री को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था जब उसने खारसंग में उसने हारा था, बस इतना रहने देना। अच्छा, कौन सी मिलिट्री वहां पर गई अभी रिसेंटली, किस कंट्री की मिलिट्री अभी रशिया में गई है, तो किस कौन सी कंट्री रशिया को हेल्प करा। इनडायरेक्टली कहा जाए तो ईरानियन मिलिट्री जाएगी, मिलिट्री जा रही, ईरान की पूरी मिलिट्री, ईरान के ड्रोन्स भी वहां पर जाएंगे। ईरान के ड्रोन्स में काची का में ड्रोन, काची का में ड्रोन, ये ड्रोन्स यहां पर क्या होंगे, जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या, जॉर्जिया, अच्छा ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, अभी रिसेंटली क्लास में पढ़ाया था। कहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो कहाँ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, कहाँ, इटली की, इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी, फर्स्ट इटली की प्राइम मिनिस्टर, इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है ना। अब बताना इटली की कैपिटल कौन सी है, इटली की कैपिटल कौन सी है, छोटा सा क्वेश्चन। ओम कह रहे हैं, रोम भाई, रोम, रोम इटली की कैपिटल है, ठीक है ना। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा है, इन द टर्म्स ऑफ द एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी की लोकेशन कहां पर है, वेटिकन सिटी की लोकेशन कहां पर है, रोम में, रोम के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर ये पूरा सिटी बसा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, वन लाइनर की तरह याद कर लेना। और कौन कौन से कंट्री के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बदले, रिसेंटली मतलब 2-3 मंथ के अंदर बदले, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, मोस्ट, चिले का भी बदला है, स्वीडन, फिनलैंड, ब्राजील, यूके, ब्राजील, ब्राजील, यूके, हाँ ना, लूला डे सिल्वा, हाँ बिल्कुल, ब्राजील का लूला को याद कर लेना, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसराइल, इसराइल कौन बना है, इसराइल कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इसराइल का, क्योंकि कल अनाउंसमेंट कर दिया इंडिया अपने रिलेशन ब्रेक करने जा रहा है इसराइल से, शायद आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, इंडिया अपने रिलेशन ब्रेक, कितना बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। अगर मैं करूं ये 1 महीने पहले होता होता ना, तो एक पैराग्राफ फिक्स हो चुका होता पे, लूला डूरा सुत्ता, अच्छा ठीक है ना। तो उसके उसके कारण तो इसराइल से ब्रेक करने जा रहा था, इस कारण फिर से इसराइल बहुत ज्यादा हाईलाइट में चल रहा है अभी रिसेंट के, आजकल के न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आप लोग इसराइल को देख लेना, ठीक है ना, कोई नहीं, इतने को देख लेना, चिले को देख लेना, हंगरी के प्रेसिडेंट को देख लेना, जापान के प्रेसिडेंट, अभी जापान के प्रेसिडेंट को देख लेना, बस शी जिनपिंग तो वही है, इतने को देख लेना, ठीक है ना। फिर ये क्या है, कोस्तोवा विरांत कोरोना वायरस, अच्छा बस इसको देख लेना कि क्या है, कि जो ये वेरिएंट है वो कहां पर पाया गया, यहां पर वन लाइन के रशिया में पाया गया, बस इतना देख लेना, ठीक है ना। ये वेरिएंट यहां पर पाया गया, इतने एक लाइन को देख लेना और कुछ मतलब वन लाइन की तरह याद करना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट बहुत जगह आ रहे हैं। न्यू टारगेट सेट अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनपीसी,
हमने कई बार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मैंने मॉक में भी दिया हुआ है, मॉक में बाद मैंने उसको भी बताया था कि किस किस से बनाया गया, कौन सा केस था, ये वाली बात मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितने डिजिट में, सिक्स उसके पैमाने होते हैं, सिक्स पैरामीटर्स में आते हैं, सिक्स पैरामीटर में कितने कितने की कितने सिक्स कौन कौन से बनाते हैं, तो पीएम 10 क्या होता है, पीएम 10.5 2.5 क्या होता है, ये मैंने क्लास में की हुई है, ठीक है ना, एक बार देख लेना, उसमें भी मॉक में भी आया हुआ था। नेक्स्ट देख लेना, इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च द जलदूत ऐप। जलदूत ऐप क्या है, तो ऐप है तो वन लाइनर की तरह देख लेना, किसके लिए काम आएगा। जलदूत ऐप पंचायतों को दिया गया, पंचायतों को दिया गया, पंचायत पंचायतों को दिया गया है, और पंचायतों में क्या करने के लिए, जो हमारे विलेज में बने हुए क्या वेल्स हैं, कुएं हैं, उनकी उन कुओं में कितना वाटर बचा हुआ है, तो वेल्स कुएं में जितना वाटर बचा हुआ है उन वाटर को उनमें वो जो दिव्य दिव्य पाठक मैंने एक्चुअली देखा है, तो मैंने अक्टूबर मैंने क्लास में पूरी कवर की हुई है, बहुत ढंग से कवर की हुई है, मैं भी आपको दिखा दूंगा, सारा पढ़ा हुआ आएगा, और एक दो पॉइंट होंगे जो नॉन इंपॉर्टेंट होंगे, एक दो को देख लेना बस, है ना, ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना। इसका इसके टॉपिक कम थे मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने सितंबर को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट लाइव ये, ठीक है, ये क्या था, ये वेलको, केवल वेलको, वेलको टारगेट किया जा रहा, और एक साल में वन ईयर में टू टाइम टेस्टिंग करेगा, ये टू टाइम टेस्टिंग करेगा कि उस वेल में कितना पानी है, इसको टेस्टिंग करेगा हर पंचायत में। तो जो जलदूत ऐप है वो बिलोंग करता है किसके, पंचायत से, वेल में, और किसके लिए है, किसके लिए है वेल में, तो उसकी वाटर लेवल को जानने के लिए, ठीक है ना, बस इतना देख लेना। ये आया वन लाइनर, सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग बेंच प्रोसीडिंग ने यूट्यूब किस तारीख को की गई थी, बस याद है 27 सितंबर को इसने फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग की थी, दैट्स इट खत्म। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर यू ललित थे, उदय उमेश ललित थे, बस, ठीक है ना, लाइव कर दिया गया था जजों की बेंच को। और क्यों किया जा रहा है, पहले कहा गया था कि जो हमारा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, कौन सा था, इसमें एनज एक्ट था, कहा गया था कि हमारे इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एनज ट्रांसपेरेंसी, उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कहा गया कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी डिसीजन बायस नहीं होंगे, इस कांसेप्ट लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ द इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ द एवीजीएस, ठीक, एवीजीएस छोटा सा पार्ट, एवीजीएस जरा याद करो, स्पेशियल एवी एवीजीएस 100 सुनना, एवीजीएस क्या, लो देख लो, एवीजीएस क्या है, एजी एवीजीएस क्या जो रह गया गलती से, एवीजीएस क्या सुनना, ये क्या है, फ्यूल है, और फ्यूल किसके लिए है, अभी तक अगर मैं बात करूं प्लेन की, जो प्लेन है हमारे, इन प्लेन में जो फ्यूल होता है हमें परचेज करना पड़ता है, जो फ्यूल होता है उनको हमें परचेज करना पड़ता है जो फ्यूल को, तो अब क्या किया जाएगा, एवी गैस बोलते हैं इसको, एवी बीच में स्लैश होना चाहिए, एवी गैस 100 एलएल का जो नेम है, नेम दिया गया है वो इंडिजेंस, इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस फ्यूल को, मतलब किसके, प्लेन के फ्यूल को इंडिया ने बनाया, बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, और कहां पर बनेगा, वडोदरा में, वडोदरा में बनेगा, वडोदरा बनेगा, बस इतना देखना, फर्स्ट टाइम इंडियन का क्या बनेगा, फ्यूल बनेगा, और एविएशन सेक्टर के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए क्या बनेगा, फ्यूल बनेगा, याद रखना, ये प्लेन्स का, फाइटर जेट का फ्यूल नहीं है, फाइटर जेट का फ्यूल अभी भी इंडिया में डेवलप नहीं होता, आईओसी इंडियन कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया, खत्म बात। अब आना किसमें, सुप्रीम कोर्ट लाइव में पढ़ा चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बैन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ द इंडिया फॉर द 5 ईयर, कोई बताने की नीड नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ द इंडिया के बारे में, खूब जम के हमने यूएपीए को देखा है, इसमें कितनी कंपनीज थी, कहां की थी, इसका डेवलपमेंट कब बनी थी, सब हमने देखा, 2005 की थी, रजिस्टर थी, कभी इलेक्शन नहीं लड़ती थी, सब कुछ पता है, ठीक है ना। रशिया एनेक्स 4 रीजन, पता नहीं अक्टूबर का है, अक्टूबर का देखो, क्या इसको बताने की जरूरत है कि रशिया एनेक्स 4 रीजन, हजार बार तो बता चुका हूं ना, हजार बार बता चुका ना, अच्छा बता दो 4 रीजन के नाम बता दो, एक ही लाइन में लिखना, मैंने कल भी पूछा था, एक ही लाइन में लिखना, ज़ेपोर्ज़िया, खारसोंग, लुहांस्क, दोनास्क, चलो ठीक है, क्रीमिया 2014 में था, बिल्कुल ये चारों रटे होने चाहिए हमें, कभी भी आ सकते हैं। कौन से को दोबारा एक्वायर किया है उसने, कौन से रीजन को, रेफरेंडम भी इन्हीं में हुआ, पता है ना, रेफरेंडम भी इन्हीं में हुआ, रेफरेंडम को भी याद रखना दिमाग में, रेफरेंडम को भी दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना, खारसोंग, चलो, ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था, न्यूज में आया था, मैंने पढ़ाया था क्या, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था, 6 मंथ फर्स्ट टाइम कब, अच्छा जरा बताना टाइमलाइन में, फर्स्ट टाइम इंपोज किया गया था 1942 को, सेकंड टाइम कब इंपोज किया गया था, सेकंड टाइम देखते, सेकंड टाइम 1958 वाले गलत हो, ध्वनि प्रद्युम्न 847 एंड 48 वाले सही है, 47 एंड 48 वाले सही है, 1947-48 में, और किस रूल से किया गया था, किस रूल से किया गया था, ऑर्डिनेंस से किया गया था, और उसका आर्टिकल क्या था,
123 आर्टिकल से इसको इंपोज किया था, उससे 123 आर्टिकल से इसको इंपोज किया गया था, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोपोर्शन था, ठीक है ना। यू अब 5G सर्विसेज लॉन्च इन इंडिया, हमारी 5G सर्विस लॉन्च, अच्छा 5G सर्विसेज जो लॉन्च हो रही है इंडिया में वो किसने किया है, तो एयरटेल ने किया है क्या? एयरटेल ने किया। कितनी सिटीज को टारगेट किया, किया 13 सिटी को टारगेट किया गया, 13 सिटीज को टारगेट किया क्या? क्या जियो ने लॉन्च किया क्या? नहीं किया। जियो अपना फर्स्ट सिटी, फर्स्ट स्टेट लॉन्च करेगा भी अगले मंथ, ठीक है ना। ध्वनि क्या 2023 में, हाँ जियो 23 में करेगा। तो ऐसे करके और यहीं से थोड़ी सी बात हो, 5G सर्विस को लेट करना। 5G क्या है, 5G कितनी उसमें वर्क करेगा, कितनी इसकी स्पीड होगी, तो कितना 20 GBPS की स्पीड पर काम करेगा, 20 GB 20 GBPS पे काम करेगा, ठीक है ना। क्या गीगा फ्रीक्वेंसी अब बता रहा हूँ, 72 GB 20 MB नहीं है, जीबी है, प्लीज GBPS है, हाँ फ्रीक्वेंसी 72 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ठीक है ना। बस इसकी ऑक्सिंग हुई थी तो कितने करोड़ के इसकी सेलिंग हुई थी, तो 151 करोड़ होगा, 151 CR की होगी, 151 CR की फंडिंग की गई थी, ऑक्सिंग हुई थी। हाईएस्ट किसके पास था, हाईएस्ट किसके पास था, जियो के पास था, हाईएस्ट 50% अप्रॉक्स 50%। सेकंड नंबर में किसके पास था, एयरटेल के पास ऑक्सिंग था। थर्ड नंबर में किसके पास था, तो थर्ड नंबर किसने, वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज है। फोर्थ नंबर में अडानी ग्रुप के पास था, इतने लोग के पास इसको इस सर्विस ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। हाँ 1. सही तो है ना, 151, अच्छा 1.51, ओके ऐसा, ठीक है ना। चलो हटा दो इसको। नेक्स्ट ये आरबीआई कार्ड टोकनाइजेशन पढ़ चुके हो क्या, रूल टोकनाइजेशन का रूल पढ़ चुके हो क्या, टोकनाइजेशन रूल पढ़ चुके हो क्या आप लोगों, ठीक है ना। कोई बता सकता है टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन तो करेंसी 1 अक्टूबर, ठीक 1 अक्टूबर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? आसपास करंट स्टेटस वही था जो मैंने पढ़ाया था, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया, तो कोई चेंज नहीं हो रहा। आसपास जो पूछ रहे हो वही स्टेटस है, 4 स्टेट में एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है और नहीं है, समझ गए होंगे। NPCL क्या है, NPCL क्या करो ध्रुव गुप्ता, अच्छा NPCL, RBI ने लॉन्च किया टोकनाइजेशन ऑफ करेंसी, ठीक है, पढ़ चुके हो टोकनाइजेशन ऑफ करेंसी, ठीक है ना। मैं पढ़ा चुका हूं टोकनाइजेशन रूल को, RBI ने किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाना, आगे देख लेते। इंदौर ये अक्टूबर ही चल रहा है, और अक्टूबर में जितना मैंने पढ़ाया, अक्टूबर में ये मत पढ़ना आप लोग, जितना क्लास नोट्स पढ़ाया मैंने वो पढ़ लेना, ठीक है ना। अक्टूबर में जो मैंने क्लास नोट्स पढ़ाया बस वो पढ़ लेना, ये सब पढ़ा हुआ है आपका। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बनाया, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हरिद्वार गंगा, यस मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका हूं क्या, नोबेल प्राइज को पढ़ा चुका हूं क्या, ढंग से आप लोग याद कर चुके हो नोबेल प्राइज को, ठीक है ना। इसके बाद इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़नी आपको अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, मैं देखी थी, मैंने इसको इग्नोर भी किया था, ये भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हम लोग पढ़ चुके हैं नोबेल प्राइज को, नोबेल की इकोनॉमिक वाली सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। पूछ लो नहीं, ठीक है, मुझे भरोसा है आप लोगों पर, है ना, मुझे भरोसा है आप लोगों का। तो कौन कौन था, अच्छा चलो जरा बताई देना, फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, 3 लोग को मिले थे फिजिक्स के नोबेल प्राइज, 3 लोग नाम एक ही में लिखना, एटम कल्सर एलन, अच्छा एलन, 3 लिखो ना, दो दो ठीक है, वो जॉन एलन, अच्छा न्यूटन, वो वाली टिक याद करके बैठे हो ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो ये हम लोग अक्टूबर की करंट अफेयर को केवल M777 जरा याद करो, M777 मैंने कभी पढ़ाया है क्या, M777 मैंने पढ़ाया है क्या, जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया खुद की अपनी DRDO और वो मिलकर DRDO और हाँ आर्टिलरी मिलकर बना रहा था ना, खुद को 48 किलोमीटर रेंज की वर्ल्ड की हाईएस्ट ATAGS बनाई थी, यस ATAGS बनाई थी 48 किलोमीटर रेंज की, तो उसमें मैंने बताया था इंडिया के पास ऑलरेडी 2 थी, कौन कौन सी थी, एक बपोस थी और एक M777 थी, यही तो बात बताई थी ना। M777 ये US प्रोडक्ट है, हमने US प्रोडक्ट परचेज किया था, US कहां से ले रहा था, तो कहां से, इटली से ले रहा, इटली से, US कहां से ले रहा था, आई थिंक इटली से, नहीं इटली से तो बफोर्स ले रहा था, तो ये यूएसए से ली गई, बाद में देख लेना जो जिससे ली गई यूएसए से, तो अल्ट्रा लाइट की वो आर्टिलरी है, तो बस ये पुरानी न्यूज है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है इसमें कि हम लोग इसको सेल्फ डेवलप करने वाले हैं जो वहां के, तो इस कारण से न्यूज में आ गया था, ठीक है ना। और दूसरा क्या आ गया यहाँ पर, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, नहीं पढ़ना आप लोग को। सेकंड कॉप ऑफ द बुर्किना फासो पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल ढंग से मैंने समझाई बुर्किना फासो की हिस्ट्री माली, और वहां पर मैंने फ्रांस का इन्वॉल्वेशन कैसे ये बने, कौन कौन उसमें लीडर बना, मैं सारी पढ़ा चुका हूँ। इब्राहिम, ओके गुड,
इब्राहिम, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्या, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम क्या, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक डायग्राम, तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके पास अक्टूबर है, केवल अक्टूबर जितने मैंने क्लास नोट्स पढ़ाए बस उनको पढ़े ना बस, बाकी कुछ भी मत पढ़ना, कुछ भी पढ़ कर जाना है ना। मेंटल सॉल्व करो, हाँ ओके ठीक है मैं समझ गया, मेंटल सॉल्व करो आपने पढ़ाया हुआ। मैं एक काम और कर देता हूँ लास्ट, क्या कि ये मैं कह रहा हूं कि इनको मत पढ़ना आप लोग, जो मैंने क्लास नोट्स पढ़ाए वो बहुत हैं, उसमें सब कुछ था। हाँ सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा था कुछ छूटा हुआ है, तो मैंने इतना डीपली सितंबर को कवर, क्यों, बहुत क्लोज एग्जाम के, सब कुछ लेट कर रहा है बस, और कुछ नहीं सर। अक्टूबर जी के मंत्र, अक्टूबर जी के मंत्र मैं आज देख लूंगा, चेक कर लूंगा, नहीं होगा तो एक ऑफिस में कॉल कर लेना, ऑफिस में आपको सारा इसका स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना काफी होगा, हाँ बिल्कुल काफी होगा। बस एक चीज मुझे बताना बाकी है, उसको देखना, एक चीज बताना बाकी, बताता हूँ फिर खत्म करता हूँ। देखो अब सब लोग, हाँ जीके मंत्र मिल जाएगी आज, दोनों मिल जाएगी, अक्टूबर नवंबर की क्लास कल रिकॉर्ड हो जाएगी, कल शाम तक आपको मिल जाएगी। और बताओ, नवंबर की क्लास कल रिकॉर्ड हो जाएगी, कल शाम को आपको मिल जाएगी अक्टूबर, और इस ये वाली जो क्लास है, और मैंने 90% वो कवर कर दिया है, आपको मुझे कुछ न्यूज ही नहीं बच रही है जो मैंने कवर नहीं किया, फिर भी आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं कर दूंगा, ठीक है ना। जो एक दो क्लास लगेंगी, वो एक दो मतलब एक दो जो न्यूज़ेज होंगी, 10-12 न्यूज़ेज मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे मैंने सारा इसके साथ रिलेट करते हुए गया हूँ, ठीक है ना, तो कोई इसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ईडब्ल्यूएस मैंने क्लास में बहुत ढंग से कवर किया है, वो इसी की न्यूज थी, है ना। सीओपी मैंने ढंग से कवर किया है, सीओपी इसी की न्यूज थी, ठीक है ना। सब आपको नवंबर की मैंने कवर की है। आ जाओ इसमें लास्ट, कौन लास्ट क्या मतलब, देखो इंटरनेशनल को मैं एक साथ रिलेट करना चाहता हूँ, है ना, इंटरनेशनल को मैं एक साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझना, इंटरनेशनल को मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा। देखो इंटरनेशनल में है क्या, मैंने ये इंडिया बनाया, आपको क्या क्या इसको डायग्राम बनाना है और क्या क्या उसमें नोट डाउन करना है उसको देखना, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये इंडिया बनाया, अब इंडिया के मैप को जरा याद करो, इंडिया के मैप में मैं नाइबरिंग कंट्री बना रहा हूँ, यहाँ पर नेपाल, नेपाल के साथ क्या क्या बनना है, नेपाल के पीएम इंडिया में आए थे, नेपाल इंडियन पीएम नेपाल में गए थे, और नेपाल नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर, नए शेर बहादुर देउबा नए पीएम बने हैं, तो हमें इन तीनों बातों को देखना है बस। क्या क्या देखना है, पीएम के बारे में देखना है, पीएम के बाद विजिट देखना है इसमें कि जो इंडिया में विजिट हुई थी, बस उनको देख लेना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। तो इंटरनेशनल लेसन में नेपाल को किस तरह हैंडल करना है यहां पर लिख लेना, दैट्स इट, खत्म। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में यहां पर एक कंट्री है, कौन सा, इसके जस्ट यहां पर म्यांमार, जैसे म्यांमार की बात आएगी तो म्यांमार को मैं यहां पर लिख दूं, म्यांमार में क्या क्या पढ़ोगे, तो म्यांमार में हमारी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ोगे, क्यों, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड नहीं है बाउंड्री, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है कि वहां के लोग यहां पर आ रहे हैं, आपको पता है मणिपुर का एनआरसी वाला क्राइसिस, ठीक है ना। तो यहां पे म्यांमार, भूटान से कोई भी न्यूज नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज में दे बस वो बता रहा हूँ, अब सुनो बात को, ठीक है ना। बाउंड्री से पढ़ोगे, बाउंड्री की पढ़ोगे, और बाउंड्री के बाद यहां पर कौन सी थी, तो यहाँ की इसके पहले पीएम कौन थी, यहाँ की पीएम कौन थे, पीएम को, अच्छा भूटान, यहाँ की पीएम कौन थी, आंग सांग सू की, यस आंग सांग सू की, उनको 1991 में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो आंग सांग सू की को भी देख लेना, नोबेल प्राइज मिला हुआ था, अब वो जेल में, इस समय उनको जेल में डाल के रखा गया, तो यहाँ पे जेनोसाइड को देख लेना और उन ट्राइब को देख लेना, बेसिकली इसकी बॉर्डर को जरूर देख लेना, बाउंड्री जरूर देख लेना, मतलब ज्योग्राफी देख लेना। इसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है, कौन सा, यहाँ पे कंट्री कौन सा, हमारा बांग्लादेश, जैसे मैं बांग्लादेश की बात करूंगा तो आपको पता है कि बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इस समय कौन है, शेख हसीना है, शेख हसीना, शेख हसीना, और हमारी क्या हुई यहाँ पर, हमने एग्रीमेंट करके रखा है, कौन सा, फरक्का वाटर ट्रीटी, फरक्का वाटर ट्रीटी, और जो फरक्का वाटर ट्रीटी है वो इंपॉर्टेंट है, सुनना, मैं यहाँ पे बांग्लादेश का मैप बना रहा हूँ, ये बांग्लादेश है, जैसे बांग्लादेश बनेगा तो आपको ये कंफर्म पता होगा कि चारों तरफ से इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पर मेघालय है, मेघालय के बाद यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे कौन सा असम वाला पार्ट है, यहाँ से त्रिपुरा है इस बंद पर, और यहाँ से एक रिवर आती है, कौन सी, कोसयारी रिवर, तो ये वाली रिवर यहाँ पे कोसयारी रिवर, और जैसे कोसयारी रिवर आई तो कोसयारी रिवर के वाटर के डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया गया है, तो कोसयारी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया से, और जाती कहाँ पर है, जाती यहाँ पे, कहाँ पे, बांग्लादेश में, और यहाँ से एक रिवर आती है, कौन सी आती है, यहाँ पर गंगा, और इस गंगा रिवर को जाकर ज्वाइन करती है, गंगा, एक्चुअली गंगा रिवर नहीं, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र गंगा को ज्वाइन करती है, सुनना, ये कोसयारी रिवर को वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया यहाँ पर, यहाँ पर एक ऑलरेडी वाटर वाटर हमारी क्या ट्रीटी बनी हुई थी, वो वाटर ट्रीटी कौन सी थी, यहाँ पर फरक्का वाटर ट्रीटी, फरक्का, तो यहाँ पे क्या थी, फरक्का वाटर ट्रीटी थी, जो फरक्का वाटर ट्रीटी यहाँ से जाके यहाँ पे, मतलब फरक्का मतलब गंगा रिवर के लिए फरक्का वाटर ट्रीटी थी, गंगा, एक बात सुनना, मैं एक बात लाइन से बोल रहा हूँ, सुनना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, गंगा रिवर को उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं,
पूरे इंडिया में गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में इंटर करती पद्मा कहते हैं, और जब इसमें जमुना रिवर मिलती थी उसे जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत मतलब चाइना में उसे सांगपो कहते हैं, और जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसको असम में नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और असम में उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब बांग्लादेश में एंटर करेगी उसे जमुना कहते हैं, और बाद में उसे जमुना कहते हैं, बाद में उसे मेघना कहते हैं। तो ऐसे करके ये बांग्लादेश इन दोनों के रिवर को यहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर जो अभी डिस्प्यूटेड थी यहां से ये कौन सिक्किम है, और इस सिक्किम से एक रिवर निकलती है कौन सी तिस्टा, तिस्टा रिवर यहां पर जाके मीट करती है। तो तिस्टा रिवर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तिस्टा रिवर इंपॉर्टेंट है, तिस्टा रिवर इसको मीट कर रही है। तिस्टा रिवर में यहां पे डिस्प्यूटेड था एक क्या डैम, तो उसके लिए बहुत दिन से ट्रीटी चल रही है, और मोदी हर बार चाहते हैं कि ट्रीटी खत्म हो जाए, अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि अभी बांग्लादेश इंटरफेयर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स से आप इंटरफेयर कर रही। तो इसका तिस्टा रिवर भी आप लोग को न्यूज में रही है, बहुत ज्यादा तो देखना है। ओरिजिन पॉइंट क्या है तिस्टा रिवर का सिक्किम में, किस में जाके मर्ज करती है, तो ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में एक आइलैंड बना हुआ है, छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ है जिसको बोलते हैं मानसूरी आइलैंड। मानसूरी आइलैंड रिवर पे बना हुआ, वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, और यहीं पर इस पॉइंट में क्या बना हुआ है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बना है, दोनों रिवर की मीटिंग पॉइंट से बनता है। कौन कौन सा रिवर है, कौन कौन सा रिवर यहाँ पर, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंड यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर गंगा। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना। तो फरक का वाला डीडी को याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पर कौन सी कोशियारी रिवर को देखना है, तिस्टा रिवर को देखना, इनके इनके इन ज्योग्राफी को देखना। शेख हसीना के फादर का नाम था शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई 1975 में, और उन्हें फादर ऑफ द बांग्लादेश कहते हैं, पार्टीशन ऑफ द बांग्लादेश भी उन्होंने किया था, और भारत में गांधी पीस प्राइज 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, ठीक है ना। 2020 को शेख मुजीबुर रहमान को मिला। मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, फिर से अपने इंटरनेशनल रिलेशन के चार्ट को कंप्लीट करता हूँ। इंटरनेशनल चार्ट के रिलेशन देखना, बांग्लादेश तो बांग्लादेश की सारी बातें मैंने बता दी, बांग्लादेश के बाद थोड़ी सा मैं नीचे आऊंगा यहां से। तो यहां पर एक कंट्री इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाई गई है, तो बस हमें कैपिटल को देखना है, कुछ नहीं देना कैपिटल को देखना है, कुछ नहीं देना। इसके बाद मैं इंडेक्स जस्ट नीचे हूं श्रीलंका, श्रीलंका में बहुत कुछ देखना है आपको, श्रीलंका के बारे में बिल्कुल डिटेल पता करना है, ठीक है ना। इस मंथ की डेथ हुई रमन 1975 में डेथ हुई, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर श्रीलंका में आपको क्या पॉलिटिक्स भी देखनी है, पॉलिटिकल न्यूज भी देखनी है, मतलब इसमें पीएम सब देख लेना है। पॉलिटिकल के बाद यहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल भी देखना, ज्योग्राफी को देखो, और इकोनॉमिकल में क्यों इसके कारण रिसेशन आया, क्या क्या रीजन था इकोनॉमिकल। तो ये श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट सारी इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ। इसके आगे एक कंट्री आता है यहाँ पर चाइना, तो यहाँ पर चाइना को देखना ठीक से, चाइना में क्या क्या पढ़ना देखो, चाइना में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट, चलो डिस्प्यूट को एक झटके में देखना। मैंने कहा कि ये इंडियन बॉर्डर, ये अपना ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, और इस जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में यहाँ पर चाइना है, ये चाइना वाला पार्ट, ये वाला इसको बोलते हैं स्काई चीन को चाइना ने 1961-62 के वॉर में एक्वायर किया था, इसमें चाइना जीता था, ये वाला पार्ट किसका हो गया था, चाइना को गया। अब सुनना, ये वाली जो लाइन है इसको आज बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं, और जो LAC यहीं पर बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर क्या होती है, इंडिया की आर्मी खड़ी होती है, आर्मी इंडिया के दोनों आमने सामने यहां पर होती है, इंडिया की आर्मी यहां पर होगी, इसके यहां पर इंडियन की आर्मी होगी, ठीक है ना। सुनना, जब इंडियन की आर्मी यहां पर होगी, इंडियन की आर्मी यहां पर होगी, और यहां पर एक क्या बनी हुई है, यहां पर लेक बनी है, तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये लेक बनी हुई है, और इस लेक को हम लोग बोलते हैं पैंगोंग सो लेक, वेरी इंपॉर्टेंट पैंगोंग सो लेक के बीचों बीच से क्या जाती है यहां पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, और LAC किस फिंगर जाती है, यहाँ पे 8th फिंगर, और यहाँ पर ये चाइना वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट इंडिया का, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज जो ये ब्रिज बना हुआ है इसकी लेंथ लगभग 20 किलोमीटर तक पहुंचती है लगभग, और जो ये हमारी पैंगोंग सो लेक कितनी लेक से मिलकर बनी है, 5 लेकों से मिलकर बनी है। इस पैंगोंग सो लेक की टोटल लेंथ कितनी है, 135 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ, 135 किलोमीटर इसके पैंगोंग सो लेक की पूरी लेक है, और यही वाला जो ये वाला पार्ट डिस्प्यूटेड है समझना, यहीं पर यहां पर क्या बना है, आपको पता है न्यू बॉर्डर स्लैब भी आए थे, और इंडिया ने अपने जो बजट है उसमें भी विलेज डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम लाया था उन दोनों को लेट कर लेना, ठीक है। 35 किलोमीटर क्या 35 135 भाई
135 किलोमीटर लेंथ है, दोनों में जाता है। मैं एट्थ फिंगर की बात कर रहा हूं, तो ये फिंगर से बस इतनी बातों देख लेना, यहाँ पे इसकी कैपिटल है और यहाँ की पासेस जितने मैंने ये हम लोगों ने वो देखे टनल्स देखे उनको देख लेना। तो ये चाइना से था, चाइना का डिस्प्यूट किससे चल रहा है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे एक कंट्री बना है, कौन सा है, तो यहाँ पे ताइवान है, तो ताइवान को यहां से देख लेना। और ताइवान के जस्ट नीचे मैं यहां तक आ जाता हूं, तो ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में बना है 9-डैश लाइन, और यहां पे एक कंट्री बनी है वियतनाम, तो इस वियतनाम को भी देख लेना। यहां से वियतनाम, इंडिया ने वियतनाम को अभी कितनी 12 सिप दिए हैं, और इसकी कैपिटल याद रखना है हनोई है, हनोई इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों ये क्या 9-डैश लाइन, इसे साउथ चाइना सी कहते हैं, ताइवान चाइना वियतनाम, ये नीचे यहाँ पे फिलीपींस है, और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर मलेशिया, यहाँ पे कौन सा, इंडोनेशिया, जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ वो वहां के पूरे छोटे से मैप में दिखा रहा हूँ आपको। इन सब बातों के यहाँ के सारे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ की सारी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट मैं आता हूँ थोड़ा सा इस तरफ, किस तरफ, अपने जो इस तरफ का एशिया है, ये तो ईस्ट एशिया में निकल गया, अब मैं आता हूँ वेस्ट एशिया तरफ। यहाँ पे पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे कौन पॉलिटिक्स चल रहा है, किसकी कौन सी बाने तहरीके पाकिस्तान, किसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएलए किसकी है, ये बातें आपको देखना है, ठीक है ना। तब इसके बाद इसमें यहाँ पे फ्लड आई थी, इस फ्लड को देखना है, फ्लड किस रिवर पे आई थी, कहाँ पे आई थी, किस वाले एरिया में आई थी, चार स्टेट है, चार स्टेट में एक ही बलूचिस्तान बचा था, बाकी सब में फ्लड चल रही थी, 2/3 of the part में इसका डूब गया था, इकोनॉमी वहां पे क्राइसिस चल रही है, वहां पे आई हमने फंड किया है, हमने $1 बिलियन का अभी तक उसमें फंडिंग की है, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आया इसका पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जस्ट आ गया है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में ताइवान का, ताइवान चल रहा है, ताइवान का सॉरी तालिबान का, ताइवान कहां से आ गया, तालिबान का रूल चल रहा है, तालिबान में कैपिटल कौन सा, यहाँ पे काबुल है, और यहां पर एक, यहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान में एक क्या बना हुआ, पोर्ट बना हुआ, उस पोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट किसका पार्ट है, ग्वादर पोर्ट सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो किसको कनेक्ट करता है, सीधे चाइना को कनेक्ट करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को कनेक्ट करता है, याद रखना ये सीपीसी में, ये क्या है यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को जस्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान इस बार के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट ईरान इस बार के लिए, और ईरान एससीओ का नया मेंबर बनने वाला है, एससीओ का नया मेंबर कब बनेगा, इंडिया में बनेगा, और इंडिया में जो मीटिंग होने वाली उसका नंबर देख लें, 2023 में इंडिया का क्या बनेगा यहाँ पर, 2023 में इंडिया का क्या बनेगा यहाँ पर, मेंबर बनेगा, तो ईरान जो मेंबर बनेगा, और उसके बाद इसमें एक और डील है, P5+1 डील है, ईरान डील 2015 में हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील, और ईरान न्यूक्लियर इसमें ये किसमें ब्लैकलिस्ट में इंक्लूड है, ब्लैकलिस्ट में ना, ब्लैकलिस्ट में, और इसने अभी रिसेंटली किससे अपने टाइप स्टार्ट किया, रशिया से टाइप, और रशिया से ईरान की कैपिटल क्या है कोई बता देगा क्या, तेहरान है, ईरान की कैपिटल कौन सी, तेहरान, ऐसे क्वेश्चन तो मत पूछो प्लीज, गूगल किया जा सकता है, ईरान की कैपिटल कौन सी, तेहरान, समझना। इसके जस्ट आगे जाऊंगा तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा कंट्री मिलेगा जिसे कहते हैं आज इसराइल, जयपुर के बराबर, और जो इसराइल कंट्री, इसराइल की पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल क्राइसिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटिकल में अभी रिसेंटली चेंजमेंट हुआ, और इसके जस्ट ऊपर है जॉर्डन, जो जॉर्डन कंट्री, मैं इसका डिस्प्यूट बता चुका हूँ, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, ये वर्ल्ड मैप को देखते रहना सारा एक साथ नोट डाउन कर लेना, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में मैंने आपको मैटाइन डील पढ़ाई थी, मैटाइन डील में क्या हुआ था, उनका बीच में जजमेंट हुआ था, आधे आधे बंटवा रहे, दो वहां पर वो थे नीचे एक्सेशन के सोर्स बनते थे, उन दो सोर्स में एक इसराइल को मिल गया, एक में आधा था, दोनों ने शेयर कर दिया था, वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप बिलोंग करता है जिसे क्या बोलते हैं हिजबुल्ला यहां से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और आप लोग देख लेना क्या क्या इसकी कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी, इसके जस्ट यहां के बगल में आ जाऊं थोड़ा सा तो ऊपर आ जाऊंगा रसिया, और रसिया के जस्ट बगल में आ जाऊंगा यूक्रेन, और यूक्रेन के यहाँ पे अजरबैजान, और यहाँ पे आर्मेनिया, शायद जिनको मैप याद होगा तो सारी बात ये बता लूंगी मैं कहां पर लिख रहा हूं, सब मैप अकॉर्डिंग है, आर्मेनिया अजरबैजान, आर्मेनिया की राजधानी कौन सी, आर्मेनिया की कैपिटल कौन सी है येरेवन, अजरबैजान की कैपिटल कौन सी बाकू, दोनों के प्रेसिडेंट के नाम याद कर लेना, और इन दोनों के बीच में एक जो लैंड डिस्प्यूट है कौन सा नाकोर्नो काराबाख इज बेसिकली पार्ट ऑफ द अजरबैजान विद पॉपुलेशन बिलोंग टू आर्मेनिया, कौन सी पॉपुलेशन है वहां पर, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वहां पर, कैसी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में दोनों की रिपोर्ट देखनी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस मिला, एक जगह डेमोक्रेसी है एक में नहीं है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन को एक बार देख लेना, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन किससे बिलोंग करता है, आर्मेनिया से, वहां पर 2018 में वर्ल्ड रिवॉल्यूशन आया था जिसके कारण क्या हुई थी, सत्ता चेंज हुई थी, पावर चेंज हुई, तो वर्ल्ड की सारी पॉलिटिक्स ले रहा हूं, है ना। इसके बाद कहां पे आ जाऊंगा, यहाँ पे यूरोप वाला पार्ट है, यूरोप में आप लोग इन दोनों को रशिया यूक्रेन नोबेल प्राइज से रिलेट कर लेना, ज्यादा अच्छा है, बाकी इसके डेप्थ में मत जाना। हाँ, जो हम लोगों ने ग्रेन एक्सपोर्ट डील पड़ी थी, ग्रेन एक्सपोर्ट डील कहां कहां से होकर जा रही थी, तो सबसे पहले कहां पे, टर्की में जाएगी, टर्की के में इस्तांबुल कनाल जाएगी, इस्तांबुल कनाल के बाद किस में जा रही थी, तो वहां से एंटर कर रही थी, सीधे जाके मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा था, मैं आप देख लेना मैंने बनाई हुई लाइन। ये हुआ हमारे एशिया का मैप, एशिया में एक जगह यहाँ पे जस्ट नीचे बीच में सेंट्रल एशिया जिसे कहते हैं, सेंट्रल एशिया में जो पांच कंट्री कौन सा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और
एक और किर्गिस्तान, ये पांच कंट्री, उसके नीचे कौन सा है पाकिस्तान और उसके नीचे कौन सा है अफगानिस्तान। ये पूरा सेंट्रल एशिया का जो पार्ट आता है उस सेंट्रल एशिया के पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। एससीओ की मीटिंग कहां पर हुई थी इस बार, एससीओ की मीटिंग कहां पर हुई थी, कहां पे हुई थी, उज्बेकिस्तान, कौन सा, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। किस प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी इंडिया में, तो किसकी डेथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। एक ही प्राइम मिनिस्टर जिनकी फॉर्म में डेथ हुई थी वो कौन से, लाल बहादुर शास्त्री, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। प्लीज एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन को सर्च करके कर लेना, एक बार चिपको मूवमेंट, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ लेना, ग्रीन रेवोल्यूशन और चिपको मूवमेंट कहीं साइड में लिख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन और चिपको मूवमेंट दोनों कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। हाँ एस स्वामीनाथन, वेरी गुड, वो आप लोग उसको देख लेना, ईयर उनको देख लेना। तो ये हुआ इसका, अगर मैं बात करूं अफ्रीका में तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। यहां पर एक कंट्री और बचा हुआ है चाइना से जस्ट बाउंड्री लगाने वाला, कौन सा, जापान। तो जापान वेरी इंपॉर्टेंट, जापान, जापान में डेथ किसकी हुई है इस समय, सिंजो आबे की। सिंजो आबे इसके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उसके पहले उन्होंने किसको, क्वाड को रिन्यू किया था 2017 में, 2007 में क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था। और इस बार का, पिछली बार का हमारा भारत ने पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था, सिंजो आबे। इस बार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जापान का किसको मिला, सिंजो आबे को मिला है। सिंजो आबे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये चार ऑप्शन में सिंजो आबे दिख रहे हैं, तो 100% टिक मार देना, भरोसा कर लेना सिंजो आबे पे, मतलब आत्मा है, कहीं ना कहीं आपको दुआएं देख के जाएगी। कुछ भी चार ऑप्शन में कहीं सिंजो आबे दिख रहे तो मैं आंख बंद करके उसमें टिक कर देना। सर प्लीज आप साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, लो मैं स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज न्यूज में है सबकी कैपिटल और प्रेसिडेंट याद कर लेना बस, बाकी कुछ नहीं कर, सारी कंट्रीज के जो जो एस्पेक्ट से कवर करना है आपको वो भी मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है ना। ईरान को ज्यादा हाईलाइट करना है इस बार, ईरान में एक और मूवमेंट चल रहा है, कौन सा, सबको पता होगा ना, हिजाब इशू इंडिया में चल रहा था, और हिजाब इशू आर्टिकल कौन सा, 25 था, हिजाब इशू आर्टिकल 25 से लेट करता, और हिजाब इशू में स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, 1-1 की स्प्लिट वर्डिक्ट, कहां का है, कर्नाटका केस है, और हिजाब में आपको पता है बाल काटे जा रहे हैं कहां पर, ईरान में, तो उसको भी आप लोग ईरान। हाँ ओआईसी में नंबर ऑफ द मेंबर कितने, 50 OIC में नंबर ऑफ द मेंबर कितने हैं, 57 मेंबर है, ठीक है ना। OIC अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं, अफ्रीका जल्दी से बताना, अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं, 55 मेंबर है। किसको अभी रिसेंटली वहां से हटा दिया गया है, किसको हटाया गया है हमारे, हम अभी रिसेंटली दो को हटाया गया था, बुर्किना फासो को सस्पेंड किया गया, बस ठीक है, ये मैं हटा दूं क्या, ये एशियन के। और हाँ आप कहोगे सर एशिया के बाहर कौन कौन सी कंट्री को देखना, तो देखना कौन कौन सी कंट्री को देखना, मैं लिख देता हूं एशिया के बाहर, मैं इसको हटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, और वरना बाद में इसकी रिकॉर्डिंग में तो देख ही लेना, मैं जो एशिया के बाहर की कंट्री उसमें जाता हूं, एशिया के बाहर की कंट्री में जाता हूं। देखो सुनो, एशिया के बाहर जाएंगे, अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊं तो देखो वर्ल्ड मैप में देखना, अगर वर्ल्ड मैप में मतलब यहां पे कौन सा, यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नीचे यहां पर क्या है, यूरोप है, यूरोप के यहां पे कौन है, एशिया है, और एशिया के यहां पे कौन सा, अफ्रीका है, अफ्रीका नीचे यहां पर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका है, बाकी सारे ओशियन से, ओशियन सबको पता है, मैंने एशिया को कवर किया। अब आता हूं यूरोप में, जब यूरोप की बात है तो कौन कौन से कंट्री पढ़ना है, तो हंगरी पढ़ना है, हंगरी के बाद कौन सा पढ़ना है, हंगरी के बाद नॉर्वे की बात पढ़ना है, स्वीडन, इनके क्या पढ़ना है बता देता हूँ, नॉर्वे से, इन सबके पीएम पढ़ लेना, और इसको नाटो से रिलेट कर लेना, सबको रटा हुआ है मुझे पता है, फिर भी नाटो से रिलेट कर लेना। और यहाँ पर टर्की जो दोनों में पार्ट करता है, टर्की उसको एक बार देख लेना, चार कंट्री यहाँ पर हो गए, हंगरी, ये बस, बाकी कोई नहीं। हाँ अभी रिसेंटली किसकी, इटली की प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है, तो इटली को देख लेना, और ऋषि सुनॉक प्लीज इसको यूके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% देख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं से लिखा हुआ देख लेना, एक क्वेश्चन इससे नहीं देखने में तो बताना। ऋषि सुनक में क्या था, ऋषि सुनक में पहली बात तो 57 नंबर के प्राइम मिनिस्टर, 57 प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद लिज ट्रस थी, और उसके पहले बोरिस जॉनसन थे, और वहां पे डेथ किसकी हुई, तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद इस समय कौन नया बन गया है, तो कौन बन गया है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद कौन नया बन, कौन है, चार्ल्स थर्ड। और कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। और बताना जो उनकी डेथ किसकी हुई थी, डेथ किसकी, क्वीन एलिजाबेथ, उनकी एज कितनी थी, जब क्वीन बनी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसमें कौन था, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था वही प्राइम मिनिस्टर था, इस कारण से पूछा, जस्टिस चर्चिल था, और चर्चिल बहुत ज्यादा फेमस था, इंडिया का अपोज करने वाला पर्सन था, इंडिया को बर्बाद करने की पर्पस था, कहा छोड़ के चले जाओ इंडिया को, जो होना तो होने दो, ऐसा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। मुझे कहानी सुनाने का मौका नहीं मिला, मैं जरूर बताता, ठीक है ना। तो आप यहां से यूरोप से इतनी कंट्रीज को देख लेना, है ना। और यूरोप में एक कंट्री और है, वो तो सबको पता है, यूक्रेन और रसिया, यूक्रेन बेसिकली समझना, जैसे जो बेसिकली पार्ट ऑफ द यूक्रेन, सॉरी रसिया जो बेसिकली पार्ट ऑफ द यूरोप, क्योंकि उसकी कैपिटल कहां से बिलोंग करती है, उसकी यूरोप में, भले ही वो मेजर पार्ट वो कवर करता हो यहाँ पर, लेकिन है यहाँ का, ठीक है ना। ये यूरोप का, ये हुआ यूरोप का, यूरोप में इतनी कंट्री को आप लोग को कैपिटल, करेंसी, करेंसी और
उसके प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड ऑफ द नेशन हो, प्राइम मिनिस्टर पीएम देख लेना, फिर आना ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन हुए थे, ऑस्ट्रेलिया को देख लेना, एक ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर देख लेना, खत्म का। और उनका जो हमारा एफएटीएफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, उसको भी एक बार नजर मार लेना, मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से एंगल को कवर करना। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ, नहीं कॉमनवेल्थ तो आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ तो आपको पता है, हाँ नेक्स्ट कॉमनवेल्थ होस्ट होगा, ये बात आपको रटे हो। ये वाला ना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसा देखने वाली बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका से नहीं आएगा, नॉर्थ अमेरिका कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अभी रिसेंटली ये साउथ अमेरिका का मैप है, साउथ अमेरिका यहाँ पे कौन से एंडीज की माउंटेन है, यहाँ से एक रिवर गई अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर अपने वाटर को कहां पर डिपोज करती है, तो अटलांटिक ओशियन में डिपोज करती है अटलांटिक, और इसके जस्ट ऊपर एक कनाल बनी हुई जिसे पनामा कनाल कहते हैं। पनामा कनाल किसको ज्वाइन करता है, तो किसको ज्वाइन करता है पनामा कनाल, तो पनामा कनाल यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन एंड बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक ओशियन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड सेकंड लार्जेस्ट टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड एरिया बोथ अफ्रीका। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहां पर है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन क्या आर्कटिक क्या अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और स्मॉलेस्ट एरिया कहाँ का है, स्मॉलेस्ट एरिया कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, ये वाली बात आएगी ये। और यहाँ पर अभी ये ब्राजील है, इस ब्राजील के बीच से जाती है, और ब्राजील के अभी रिसेंटली क्या चेंज हुए हैं, रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना कि इसमें कौन पॉइंट हुआ ब्राजील का। और यहाँ पर कतर है, कतर में इस समय क्या होस्ट हो रहा है, कतर और यूएई, इन दोनों को देख लेना, फीफा होस्ट हो रहा है, कतर और यूएई को दोनों को देखना। बस अफ्रीका में कंट्री को देखना आप लोग, अफ्रीका में कंट्री को देखना, अफ्रीका में देखना, बुर्किना फासो माली चैंद के बाद इजिप्ट के बाद साउथ अफ्रीका के बाद नामीबिया, पता होगा नामीबिया क्यों, वहां से चीते मंगाए गए थे, नामीबिया की कैपिटल कौन से, विंडहॉक है, नामीबिया चैंस सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक। बस इतने आई थिंक डन, इतने आप वर्ल्ड अफेयर को देख लेना, गाम्बिया, यस गाम्बिया को देख लेना एक बार, प्लीज गाम्बिया को देख लेना। नाउ आई थिंक डन, सारा हो गया, अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, आप फिर कितना ही पढ़ लो आपको कम लग रहेगा। अब आप लोग आज के बाद सारे स्टूडेंट नया पढ़ना बंद कर दोगे, सब पुराने में आ जाओगे, कोई भी स्टूडेंट नया नहीं पढ़ेगा, सब लोग क्या पढ़ेंगे, पुराना ही पढ़ेंगे। सर आप एक दिन कह रहे थे कि आपकी याददाश्त कमजोर है, अगर इसे याददाश्त कमजोर कहते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास तो याददाश्त ही नहीं है। हाँ मेरी याददाश्त कमजोर है भाई, है ना, ठीक है ना। आज के बाद से कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे गाइड लेता रहा इतने नया नहीं पढ़ेगा, सब लोग पुराना पढ़ेंगे, सब लोग रिविजन करेंगे। फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करोगे आप लोग 9 तारीख तक इसको कंप्लीट करोगे तो आप लोग रैंक बूस्टर को कंप्लीट करोगे। 9 तारीख के बाद आप लोग जब एक दिन का एग्जाम दे के आओगे इजिली, फिर 3 डेज में एक बार रैंक बूस्टर और अपने नोट्स पूरे, फिर उसके बाद 1 टाइम एक बार और रिवीजन, तो ऐसे 3 टाइम रिवीजन होके जाएगा। अक्टूबर की मैंने कहा कि जीके मंत्र मैं आज अपलोड करवा दूंगा कैसे भी, ठीक है ना, डन। वरना आप लोग एक बार ऑफिस में कॉल कर लेना, नहीं हो तो मैं मुझे बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग क्लैट एग्जाम के बाद।